हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है दोस्तों आज के रिवीजन में। आज जो करवाने वाला हूं वो है क्लबिंग एंड सेट ऑफ का रिवीजन। ये क्लबिंग और सेट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों, और मतलब ये लगा लो 5 से 6 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। तो मैं एक कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ क्लबिंग एंड सेट ऑफ, और इसके अंदर ना नया रजीम भी डिस्कस करूंगा लास्ट में। लास्ट में ये मैं अपनी बुक से रिविजन कराऊंगा, ठीक है। मेरे पास नोट्स हैं, मैं नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहीं पर आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे क्लबिंग और सेट ऑफ के, ठीक है। और न्यू रिजीम की बात मैं बिल्कुल अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों रिविजन। ये देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में अगर हम बात करें, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनएसएससी इज जनरली टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। अपनी इनकम पे ही उसको टैक्स पे करना पड़ता है। हाउएवर देर आर सर्टन केसेस वेयर एनएसएससी हैज टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अनदर पर्सन। तो भाई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, देखो क्या होता है, मेरे को अपनी इनकम पे तो टैक्स देना ही है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है मुझे दूसरे की भी इनकम पे टैक्स खुद देना पड़ जाता है। सो इसी को हम क्लबिंग बोलते हैं, मतलब इनकम किसी और की है, मिल किसी और को रही है, बट गवर्नमेंट कह रहा है टैक्स आप दोगे। समझ में आता है। द प्रोविजंस फॉर द सेम आर कंटेन्ड इन सेक्शन 60-64 ऑफ दिस एक्ट। वैसे ये प्रोविजन 60 से लेकर 64 तक आते हैं, बट 65 में क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। दीज प्रोविजन हैव बीन एनएक्टेड टू काउंटर द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी और ट्रांसफर देयर इनकम इन सच अ वे दैट देयर टैक्स लायबिलिटी कैन बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड। तो भाई जो लोग ये सोच रहे थे कि अगर मान लो एक इंसान ये वो पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर एक्स और ये है मिसेज एक्स, ठीक है, मान लेते हैं मिसेस एक्स की फिलहाल के लिए कोई इनकम नहीं है और मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम है दोस्तों 6 लाख रुपए की, ठीक है, और इसके अलावा उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे उसको 2 लाख रुपए का किराया आता है। टोटल इनकम कितनी हो गई मिस्टर एक्स की? 8 लाख रुपए की। अगर मैं 8 लाख रुपए पे टैक्स निकालूंगा ना तो दोस्तों करीब निकाल के देखते हैं, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500, और फिर उसके बाद 3 लाख पे 20%, 60,000 72,500 के आसपास का टैक्स बनेगा। यस और नो? ये 72,500 का। इस मिस्टर एक्स ने दिमाग ये लगाया कि भाई क्या करते हैं, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये मैं अपनी वाइफ के नाम पे कर देता हूं। अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दी तो ये इनकम 8 में से 2 लाख रुपए हट जाएगी और मेरी इनकम कितनी रह जाएगी? 6, और वाइफ की इनकम कितनी हो जाएगी? 2 लाख। और वाइफ को अभी भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम वैसे भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। सो ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है कौन? मिस्टर एक्स कोशिश कर रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी में मिसेज एक्स के नाम पे कर दूं, मिसेज एक्स को इनकम ट्रांसफर हो जाए, मिसेज एक्स को वो टैक्सेबल हो जाए, जबकि मिसेज एक्स को टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो इनकम ट्रांसफर कर दी है उसने। गवर्नमेंट कहता है नो, गवर्नमेंट कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम पढ़ रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर इन चीजों को रोका गया है, तोड़ा गया है। जो भी ऐसा इंसान जो भी इस तरीके से प्रोविजंस का फायदा उठाता है, गवर्नमेंट कहता है कि हम उसके लिए एक तोड़ लेके आए हैं, एक कानून लेके आए हैं जिसमें आप यह काम कर ही नहीं पाओगे। शिकंजा कस दिया गया है। गवर्नमेंट कहता है यह इनकम वापस मिस्टर एक्स की ही इनकम में जाके क्लब हो जाएगी, यानी मिस्टर एक्स की ऑलरेडी सैलरी इनकम है, उसी की इनकम में जाके, मिस्टर एक्स की इनकम में जाके वो वाली इनकम वापस क्लब हो जाएगी और उस इनकम पे टैक्स मिस्टर एक्स पे करेगा, ना कि मिसेज एक्स। समझ में आती है बात? अब सो क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी ऐसी कैटेगरी जो सारे एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है, सेक्शन 60 से लेकर 63 में जो भी हम सेक्शन पढ़ेंगे वो ऐसे सेक्शंस होंगे जो ऑल एसएससीज पर एप्लीकेबल होता है, और 64 जो सेक्शन है वो जो है वो दैट इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स। वैसे क्लबिंग ऑफ इनकम इंडिविजुअल्स पर ज्यादा सूट करता है, इंडिविजुअल्स और एचओएफ पर, रीजन बीइंग कि इंडिविजुअल्स ही वो लोग हैं जिनकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम का बेनिफिट मिलता है, और हर एक इंसान जिनको 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है वही इनकम क्या करना चाहेगा, उस बंदे को ट्रांसफर करना चाहेगा जिसके पास 2.5 लाख रुपए तक की इनकम नहीं थी, ताकि मेरा टैक्स क्या कर सकूं, मैं बचा सकूं। सो कैटेगरी 1 क्लबिंग जो प्रोविजंस है व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल द एसएससीज, कैटेगरी 2 प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल, सेक्शन नंबर 64।
नाउ कैटेगरी वन की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द सेसीज, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्शन नंबर 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। बच्चों अगर आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया और सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी तो ये सारे एसेसीज के ऊपर एप्लीकेबल है ये कानून, और कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये मान लिया जाएगा कि आप टैक्स बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हो, ये इनकम वापस क्लब हो जाएगी आप ही की इनकम में। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। सो मैंने अपने भाई के नाम पे एक इनकम ट्रांसफर कर दी है और वो इनकम ट्रांसफर कर दी बिना एसेट को ट्रांसफर किए। सो भाई अगर मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती थी और उस प्रॉपर्टी के जो लैंड जो किराएदार था उस किराएदार को बोला कि भाई ये जो किराया है ना वो मुझे ना देकर मेरे भाई को दिया कर, तो मेरे भाई के अकाउंट में डाला कर, तो क्या वो मेरे भाई के अकाउंट में डालने से मेरे भाई को टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, वो टैक्सेबल मुझे ही होगा क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही हूं। सो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, इफ एनी पर्सन ट्रांसफर्स द इनकम फ्रॉम एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ, देन सच इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो ये इनकम टोटल इनकम में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफरर की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ट्रांसफरर की इनकम में ये इनकम ऐड हो जाएगी। सेक्शन नंबर 61 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 61 कहता है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? रेवोकेबल का मतलब होता है, ये देखो रेवोकेबल का मैंने मतलब लिखवाया होगा, ये रहा रेवोकेबल। ये सेक्शन नंबर 63 में ना रेवोकेबल की डेफिनेशन है। 61 अभी हम पढ़ रहे हैं, 61 क्या है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, बट पहले रेवोकेबल का मतलब तो समझ लो, वो मतलब लिखा है सेक्शन नंबर 63 में। रेवोकेबल ट्रांसफर इज ट्रांसफर विच इज डीम्ड टू बी रेवोकेबल इफ, रेवोक का मतलब होता है जब किसी एसेट को ट्रांसफर करने के बाद उसके राइट्स में वापस ले सकता हूं, अगर मैं उस एसेट के राइट्स वापस अपने नाम पे ले सकता हूं तो मैं ऐसे ट्रांसफर को रेवोकेबल ट्रांसफर बोलता हूं। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर को रेवोकेबल ट्रांसफर बोलता हूं जिसके राइट्स मैं वापस अपने नाम पे ले सकता हूं। सो ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रेवोकेबल इफ इट कंटेन्स एनी प्रोविजंस फॉर रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और एसेट्स टू द ट्रांसफर। सर अगर मैं कोई भी तरह का मैं इनकम जब किसी को भी एसेट ट्रांसफर करता हूं और वो ट्रांसफर कुछ इस तरीके से किया कि वो एसेट के राइट्स वापस मैं ले सकता हूं, ये देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रेवोकेबल इफ इट कंटेन्स एनी प्रोविजंस फॉर रीट्रांसफर। रीट्रांसफर मतलब मैंने मिस्टर एक्स को दिया, मिस्टर एक्स वो मेरे नाम पे वापस प्रॉपर्टी आ सकती है, मैंने मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर चुका हूं, बट अगर कुछ शर्तें रखी हैं मैंने और उसकी बेसिस पर मिस्टर एक्स से प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम पे आ सकती है तो मैं ऐसे ट्रांसफर को ट्रांसफर ना कह के रेवोकेबल ट्रांसफर बोलूंगा दोस्तों। क्या बोलूंगा? रेवोकेबल ट्रांसफर। सो इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट्स टू द ट्रांसफर। चलो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। भाई क्या हुआ कि मेरे दोस्त के पास मेरे दोस्त को कुछ पैसों की जरूरत थी, मैंने कहा चल ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ, मैं तेरे नाम पे ना एफडी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फिक्स डिपॉजिट। मेरे पास 5 लाख रुपए की एफडी पड़ी हुई थी, मुझे सालाना मान लेते हैं 6% का इंटरेस्ट मिलता था, साल का 30,000 रुपए। मैंने कहा यार तू एक काम कर, तू एफडी तू अपने पास रख ले, वो तू एफडी पे इंटरेस्ट जो भी है वो तू रख ले, मुझे ना सिर्फ 2% इंटरेस्ट दे दिया करियो। कितना? 2% तू मुझे दे दिया करियो, बाकी तू सारा का सारा रख ले। समझ में आ रहा है? शर्त रखी है मैंने उसको, मैंने एफडी उसको दे दी है, एफडी उसके नाम पे कर दी और उसका बोला कि जब तक इस पे जो इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट में से सिर्फ 2% इंटरेस्ट मेरे नाम पे कर दिया कर, बाकी जो इंटरेस्ट है वो तो अपने पास रख ले। मतलब साल के 20,000 में उसको दे रहा हूं एक तरह से, बट 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसफरर कर रहा है किससे? ट्रांसफरी से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट जो 2% था ना वो भी उसने वापस नहीं किया, तो अगर वो इंटरेस्ट 2% वापस नहीं करेगा तो क्या इसको बोल सकते हैं ये रेवोकेबल ट्रांसफर है? यस, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 2% मुझे वापस नहीं देगा तो मेरे पास हक बन जाएगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैंने उसको बोला था इस शर्त में मैं तेरे को दे रहा हूं, तो 2% अगर वो मुझे नहीं देगा तो मैं वो एसेट वापस हथिया लूंगा। तो अगर मैं एसेट वापस हथिया ही सकता हूं तो मैं उसको ट्रांसफर क्यों बोलूं? मैं इसको रेवोकेबल ट्रांसफर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रेवोकेबल ट्रांसफर। मेरी बात समझ में आ रही है? सो इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट्स टू द ट्रांसफर। जब भी ऐसा कभी हो कि वो वापस मेरे नाम पर आ सके तो मैं उसको रेवोकेबल ट्रांसफर बोलता हूं। पॉइंट नंबर सेकेंड, इट गिव्स
in any way to the transferor a right to reassume powers directly or indirectly over the whole or any part of the income. मतलब दूसरा वाला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी तरीके से अगर ट्रांसफरर के पास राइट टू रीअज्यूम है, राइट टू रीअज्यूम कि मतलब वो पावर्स हैं आपके पास कि आप वापस उससे एसेट हथिया सकते हो, वापस उससे राइट्स ले सकते हो, अगर ऐसा कहीं डीड में लिखा हुआ है, ऐसी कोई पावर है आपके पास, तो ऐसे केस में ये ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं है दोस्त, ये रेवोकेबल ट्रांसफर है. कौन सा ट्रांसफर है ये? रेवोकेबल ट्रांसफर है. रेवोकेबल ट्रांसफर में जो भी इस एसेट से इनकम होगी वो सारी की सारी क्लब होगी किसकी इनकम में? ट्रांसफरर की इनकम में. तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो समझ में आया आपको? ट्रांसफरर ट्रांसफरी है ना, और मैंने एक ट्रांसफरर ने एफडी अपने दोस्त के नाम पे कर दी है. अच्छा, इस पर जो इंटरेस्ट है मैंने ये बोला इस पे इंटरेस्ट 6% आता है, तू एक काम करियो मुझे हर साल के साल इंटरेस्ट 2% दे दियो. ठीक है, तू मुझे 2% दे दियो, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, तू बाकी रख ले, तेरे को पैसे की जरूरत है. तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि आपने ये शर्त डाल रखी है इसलिए आपके पास पावर्स आते हैं एसेट को वापस रीअज्यूम करने के लिए, और क्योंकि आपके पास पावर्स है रीअज्यूम करने के लिए तो भाई साहब ये आपका ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, रेवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा. और क्योंकि ये रेवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो वापस ट्रांसफरर के ही इनकम में जाके क्लब हो जाएगी, जो भी मतलब पूरा 6% विल बी टैक्सेबल टू ट्रांसफरर. किसको टैक्सेबल होगा? ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगा. मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं. सो रेवोकेबल ट्रांसफर सबको समझ में आता है रेवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है. अब रेवोकेबल ट्रांसफर के लिए सेक्शन नंबर 61 में ये लिखा है कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट और इनकम अराइजिंग टू अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर. हम टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर के अंदर एड कर देंगे. ठीक है जी. सेक्शन नंबर 62 क्या कहता है? इररेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? नाउ रेवोकेबल पता चल गया, इररेवोकेबल क्या होगा? इन सच केस इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर इनकम क्लब नहीं होगी ट्रांसफरर के हाथ में? सेक्शन 61 विल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन इफ देयर इज अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट व्हिच इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी. यानी अगर मैंने ट्रांसफर किया है विच इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब जब तक जिसको मैंने ट्रस्ट ट्रांसफर किया है ना उसके जीते जी मैं वो एसेट अपने नाम पे नहीं कर सकता, तो वो इररेवोकेबल है, वो रेवोकेबल नहीं है. दोस्तों फिर से सुन लो, मैंने बोला कि अगर मैं एक एसेट अपने दोस्त को देता हूं, हाँ अगर मैं एक एसेट अपने दोस्त को देता हूं, ये एसेट कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, हाँ कुछ भी हो सकता है. अब ये एसेट अगर मैं अपने दोस्त को देता हूं और इसके जीते जी, किसके जीते जी? ट्रांसफरी के जीते जी, अगर इसके जीते जी मैं इससे एसेट नहीं ले सकता हूं या फिर इसके राइट्स मैं वापस रिज्यूम नहीं कर सकता हूं, तो ऐसे केस में ये इररेवोकेबल ट्रांसफर है. क्या है ये? इररेवोकेबल ट्रांसफर है. और अगर ये इररेवोकेबल ट्रांसफर है तो ऐसे केस में ट्रांसफरी की ये जो एसेट से इनकम है ना, ये इनकम ट्रांसफरी को ही टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर को क्लब नहीं होगी. मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है दोस्तों. ये ट्रांसफरर को इनकम क्लब नहीं होगी, ट्रांसफरी को ही टैक्सेबल होगी. रेवोकेबल ट्रांसफर, ट्रांसफरर को इनकम टैक्सेबल होगी. इररेवोकेबल ट्रांसफर, ट्रांसफरी को टैक्सेबल होगी. मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान बात है ना. तो कहने का मतलब यह है कि अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, अगर उसके जीते जी आप वो वापस उससे नहीं ले सकते हो, उसके जीते जी नहीं ले सकते हो, तो ऐसे केस में ये इररेवोकेबल है. एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी. देखो पहले वाले पॉइंट में ट्रस्ट की बात कर रहा था, ट्रस्ट, ठीक है, एक ट्रस्ट की बात कर रहा था, चैरिटेबल ट्रस्ट होता ना, जैसे कि एक पूरा का पूरा राइट जो है उसको दे दिया गया, बट उसके जीते जी हम लोग ये प्रॉपर्टी वापस उससे नहीं ले सकते, तो ऐसे केस में ये इररेवोकेबल ट्रांसफर है. इन द अबव केसेस द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर प्रोवाइडेड द ट्रांसफरर डिराइव्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम. यानी ट्रांसफरर को उससे कोई फायदा नहीं ले सकता वो,
द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर एसेट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर, ये क्लब नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इरेवोकेबल है. सो दोस्तों, सेक्शन 60, 61, 62, 63 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है कि अगर आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी, तो वो इनकम वापस क्लब हो जाएगी ट्रांसफर के नाम पर. नंबर दो, सेक्शन नंबर 61 कहता है अगर आपने कोई एसेट रेवोकेबल ट्रांसफर किया है तो उसकी इनकम वापस ट्रांसफर को ही इनकम जाके क्लब होगी. ठीक है. नंबर तीन, सेक्शन नंबर 62 जो है वो इरेवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन बताता है और सेक्शन नंबर 63 रेवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन बताता है. समझ में आ गई बात? बहुत ही बढ़िया. आते हैं आगे क्लबिंग ऑफ इनकम में. सर कैटेगरी 2 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटेगरी 2 जो है ना वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए. सेक्शन नंबर 64 प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स ओनली, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है. कौन सा? सेक्शन नंबर 64. और 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या है? इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. ध्यान से सुनना मेरी बात. मैंने बोला एक इंडिविजुअल के पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. मिस्टर एक्स के पास एक कंपनी के अंदर, ये रहा मिस्टर एक्स, इसके पास एक कंपनी के अंदर एक्स वाई जेड लिमिटेड के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% या फिर उससे ज्यादा. तो अगर आपके पास मान लेते हैं 20% या फिर उससे ज्यादा की ओनरशिप है ना दूसरी कंपनी में, तो हम मान लेंगे कि आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर हो. Is that clear? और मिस्टर एक्स के पास XYZ कंपनी के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. ओके सर. सर अब क्या? अब ये कि ऐसी ही कंपनी के अंदर आपकी वाइफ, मिस्टर एक्स की वाइफ मिसेज एक्स क्या कर रही है? यहां पे जॉब कर रही है. क्या कर रही है भाई? यहां पे जॉब कर रही है. अच्छा, कौन सी कंपनी में? जहां पर मिस्टर एक्स मालिक है. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब मालिक है. एक तरफ मिस्टर एक्स मालिक है और वहीं पर आपकी जो वाइफ है वो वहां पे जॉब कर रही है. तो देखो, ये गवर्नमेंट कहता है भैया हमें घनचक्कर मत समझो, तुम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करवाना चाहते हो सैलरी के नाम से, ताकि टैक्स क्या बने? कम से कम बने. सो पीएनएल अकाउंट डेबिट करने के लिए आप ये दिमाग लगा रहे हो. इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि नहीं सर, ये चीज गलत है. समझ में आ गई बात? सो इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ऑल सच इनकम विच अराइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल, ये ना स्पाउस, स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, वेदर इन कैश और इन काइंड, from a concern in which such individual has a substantial interest, that is 20% or more voting rights of the concern. yani agar aapke paas 20 ya usse zyada ke ownership hai aur aap, aapke jo jo spouse hai wo wahan pe job kar rahi hai, to aise case mein usko jo bhi remuneration milta hai wo income club hoga wapas mr x ke naam par. That shall be clubbed in the hands of individual who has substantial interest. samajh mein aa gaya? kyunki government kehta hai aap tax bachane ke liye aisa kar rahe. is that clear? बट कहानी अभी पूरी नहीं हुई, आगे पढ़ लेते हैं. चलो, ये बात तो समझ में आया. सर्कमस्टांसेस इन विच इंडिविजुअल इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, कब माना जाएगा कि वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओनर है? वेयर कंसर्न इज अ कंपनी, अगर वो कंसर्न कंपनी है तो. सो इफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग 20% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स आर बेनिफिशियली ओन्ड बाय सच पर्सन और पार्टली बाय सच पर्सन एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. भाई जरूरी नहीं है कि आप ही के पास कंपनी के 20% ओनरशिप है. हो सकता है मिस्टर एक्स का जो फादर है, मिस्टर जेड, ये मिस्टर एक्स के फादर हैं, इसके पास भी कंपनी के 10% ओनरशिप है. मिस्टर एक्स के पास सिर्फ 5% ओनरशिप थी, मिस्टर जेड जो उसके फादर है उसके पास 10% ओनरशिप थी. मान लेते हैं मिस्टर बी जो उसका ब्रदर है, उसके पास भी कंपनी के 7% शेयर्स हैं, मिला के रिलेटिव्स होते हैं, मिला के 10, 7, 17, 5, 22, 22% जो कि 20% से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. ऐसे सिचुएशन में ये जो ओनरशिप है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गई है और इसी रीजन से मिसेज एक्स की सैलरी की इनकम जो होगी वो मिस्टर एक्स की ही इनकम में जाके क्या होगी? क्लब होगी. क्या होगी? क्लब होगी. मेरी बात समझ में आ रही है? सुनो,
मैंने बोला अगर ये कंपनी है तो उसकी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कैसे पता लगाएंगे? कह रहा है इफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग 20% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स आर बेनिफिशियली ओन्ड बाय सच पर्सन, या तो उसके पास खुद के पास ही 20% शेयर्स हैं, और पार्टली बाय सच पर्सन एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर रिलेटिव्स के पास भी है और उसके पास भी है, मिला के 20% से ज्यादा की ओनरशिप है, तो ऐसे केस में यह माना जाएगा कि आपके पास कंपनी के सब्सटैंशियल ओनरशिप है। ये देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स 10% ओनर है, मिसेज एक्स जो है वहां पे जॉब कर रही है, मिस्टर एक्स कंपनी में 10% ओनर है, फादर के पास 8% ओनरशिप है, मदर के पास 5% है, मिला के 23% बन गया। सो मिस्टर एक्स इज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर, वाइफ सैलरी इनकम इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इनकम। नाउ ये जानना जरूरी है सर रिलेटिव्स कौन है, ये रिलेटिव्स कौन है, ये देखो ये रिलेटिव्स कौन है, ये देखो रिलेटिव इंक्लूड्स स्पाउस ब्रदर सिस्टर एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। भाई भाई बहन और स्पाउस और बच्चे आ गए, पेरेंट्स भी आ गए। तो जब बोल दिया गया कि ये सब रिलेटिव की डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से किसी के पास भी ओनरशिप है ना, तो उसको मिला के चेक किया जाएगा कि आपके पास कितनी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनरशिप है, और उसके बेसिस पर जो बहू रानी है जो लोग जॉब कर रही है ना, उसकी इनकम वापस मिस्टर एक्स के नाम पे क्लब हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा सर ये तो वो हो गया जब कंपनी होगी, अगर कंसर्न कंपनी नहीं है, कोई HUF है या फर्म है, इफ सच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सच और सच पर्सन एंड वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स आर एंटाइटल्ड इन एग्रीगेट टू रिसीव 20% और मोर प्रॉफिट ऑफ सच कंसर्न। भाई वहां पे इक्विटी है, यहां पे 20% ऑफ द प्रॉफिट है, बात तो एक ही है। अगर कोई पर्सन या फिर मिला के उसके फैमिली मेंबर्स मिला के 20% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट के हकदार बनते हैं, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि वो उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनरशिप है। समझ में आ गई बात? क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई वेयर रेम्यूनरेशन इज रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पाउस। भाई अगर समझ लो, मान लो मैं कंपनी में जॉब, मैं कंपनी में ओनरशिप था, मेरे पास कंपनी के 15% शेयर थे, मेरे फादर के पास भी 6% शेयर थे, मिला के 20% से ज्यादा हो गए, मेरे वाइफ वहां पे जॉब कर रही है, ठीक है 8 लाख रुपीज की सैलरी ले रही है, और मान लेते हैं मेरी वाइफ जो है उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का काम कर रही है, CS का काम कर रही है, और उसके पास डिग्री भी है CS की, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वो इनकम जो होगी वो उसी को टैक्सेबल होगी, वो मुझे टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पास एक टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और उसकी जो इनकम हो रही है वो टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही मिल रही है। सो क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई वेयर रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पाउस एंड इनकम इज सोली एट्रिब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ हिज और हर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। समझ में आ गई बात? अच्छा क्या ऐसा हो सकता है सर दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ही कंपनी की ओनरशिप हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मान लेते हैं हस्बैंड के पास है 8% ओनरशिप, वाइफ के पास है 15% ओनरशिप, दोनों को अलग अलग देखेंगे तो दोनों के पास 20 से कम है, बट दोनों मिल जाए तो 20% से क्या है, ज्यादा है। तो हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 8 और 15 वो एड हो जाएगा 23%, और वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 15 और 8 दोनों के पास ही कंपनी के क्या माने जाएंगे, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माने जाएंगे। सो वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, और दोनों के दोनों बोथ आर इन द रिसिप्ट ऑफ द इनकम बाय वे ऑफ सैलरी एटसेट्रा फ्रॉम द सेड कंसर्न, ठीक है कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है, देन सच इनकम विल बी इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हूज टोटल इनकम इज ऑलरेडी हायर। तो गवर्नमेंट की दिमाग बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट कहता है कि हम उसकी इनकम में जाके क्लब कर देंगे जिसकी ऑलरेडी ज्यादा इनकम है। तो अगर मिस्टर एक्स की 8 लाख रुपए की इनकम थी ऑलरेडी, मतलब इस कंपनी से जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा वाली, तो 8 लाख रुपए की इनकम थी ऑलरेडी, और मिसेज एक्स की इनकम 4 लाख रुपए थी ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब अगेन मैं बता रहा हूं, इस कंपनी से जो इनकम मिल रही है उसको छोड़ के, मतलब बैंक इंटरेस्ट रेंट कमीशन जो भी उसको मिल रहा है बाकी इसको छोड़ के, तो जो भी इनकम मिल रही है वो चेक किया और देखा कि ऑलरेडी ज्यादा इनकम मिस्टर एक्स को मिल ही रही है, तो मिस्टर एक्स की ही इनकम में जाके ये वाली इनकम जो दोनों की रेम्यूनरेशन है वो क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे। कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? ये था बच्चों सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, ठीक है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। चलो एक काम करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन ही करवाता हूं तभी समझ में आएगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये वाले नोट्स मैं आपको अभी भेज दूंगा, PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर वॉटसन हैज ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम गोडाउन टू हिज सन। इनकम ट्रांसफर कर दी सन को,
विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन, गोडाउन ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम इनकम ट्रांसफर कर दी। ऐसे केस में ये इनकम एज पर सेक्शन 64, एज पर सेक्शन 60 ये इनकम वापस क्लब हो जाएगी मिस्टर वत्सन के नाम पर, यस और नो? क्योंकि विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट अगर आप इनकम ट्रांसफर करोगे तो ये इनकम वापस क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी मिस्टर वत्सन के नाम पर। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? क्वेश्चन नंबर टू, मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉई ऑफ एक्स लिमिटेड एंड ही हैज अ 25% शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, हिज सैलरी इज 50,000 पर मंथ, मिसेस ए इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, ठीक है, शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए। अब यहां पर देखो क्लियरली बोला गया है कि मिस्टर ए जो है वो कंपनी में एक एम्प्लॉई है एंड ही हैज 25% शेयर ऑफ द कंपनी, 25% शेयर्स भी है यानी 20% से ज्यादा है और हिज सैलरी इज 50,000 पर मंथ। मिसेज ए जो है ना वो कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम कर रही है और उसके पास कंपनी की कोई ओनरशिप नहीं है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना। यहां पर क्या करेंगे भाई ऐसे केस में? ऐसे केस में जब हम मिस्टर ए और मिसेज ए की इनकम निकालेंगे, है ना, मिस्टर ए और मिसेज ए की इनकम निकालेंगे, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो इनकी पहले से इनकम थी वो लिख लेंगे। तो इनकी इनकम थी सैलरी मिस्टर ए की 50,000 इंटू 12 6,00,000 रुपए, ठीक है, और मिसेस ए की अगर हम देखें तो ये इनकम वैसे तो 3,60,000 रुपए है, 3,60,000 रुपए है, बट ये 3,60,000 रुपए क्योंकि मिस्टर ए कंपनी के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनर हैं, इस रीजन से ये इनकम वापस क्लब हो जाएगी किसके नाम पर, मिस्टर ए के नाम पर, टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। सो मिस्टर ए के नाम पे ये इनकम क्लब हो जाएगी, कितना, 3,60,000 रुपए यहां से हट जाएगी बेटा, यहां से हट जाएगी, तो ये इनकम यहां से हट जाएगी और ये टोटल हो जाएगा 9,60,000 और इसमें ये इनकम हो जाएगी निल। और इसके बाद क्या करना है पता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा बेटा 50,000 रुपए का, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सो 9,60,000 माइनस 50,000, 9,10,000 रुपए ये आपकी इनकम हो जाएगी, हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना बेटा सैलरी में, यस और नो? तो वो वाली मिल जाएगी ना, समझ में आ गई बात? सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर था। याद रखें स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों की अलग अलग नहीं मिलेगी, पूरी इनकम पे एक ही बारी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, यहां पर मिलेगी मिस्टर ए को, क्योंकि मिसेस ए की तो इनकम वैसे भी मिस्टर ए की इनकम में क्लब हो गई है। सर क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर बी इज एन एम्प्लॉई ऑफ वाई लिमिटेड एंड हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, हिज सैलरी इज 20,000 पर मंथ, मिसेस बी इज आल्सो वर्किंग इन वाई लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, मिस्टर बी आल्सो रिसीव 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मिसेस बी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच ही हैज लेट आउट और रेंट रिसीव है 6,000 रुपए पर मंथ। तो आपको बताना है मिस्टर बी की क्या इनकम होगी और मिसेस बी की क्या इनकम होगी, ठीक है, तो क्या करें ऐसे केस में? सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है सैलरी, मिसेस बी इज आल्सो वर्किंग इन वाई लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 12,000। नाउ मिस्टर बी की सैलरी दी हुई है 20,000 रुपए पर मंथ, सैलरी कितनी है 20,000 पर मंथ, मतलब 20,000 इंटू 12 2,40,000, तो मिस्टर बी की सैलरी होगी। मिसेस बी की सैलरी भी 12,000 है, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12 तो ये हो जाएगी 1,44,000, तो मिसेस बी की भी सैलरी आ गई, हालांकि विदाउट एनी क्वालिफिकेशन है, कोई बात नहीं। मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मिस्टर बी के पास एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यानी अदर सोर्सेज, हेडिंग हो गया ना अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज के नाम से उसको इनकम मिलती थी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज किसको टैक्सेबल होना था, मिस्टर बी को, ये ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिल रहा है, कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। इसके अलावा मिसेस बी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी और मिसेस बी को एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है, कितने रुपए की आती है, 6,000 रुपए का किराया आता है रेंट, 6,000 रुपए पर मंथ, तो 6,000 रुपए पर मंथ यानी साल का हो गया 72,000 में से 30% की क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या मिलेगी 30% की, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 72,000 की 72,000 में से 30% हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना 21,600, तो ये स्टैंडर्ड एक्शन मिलने के बाद 72,000 माइनस 21,600 ये आ गया 50,400
है या नहीं? ये 50,400 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम मैंने लिख दी है। अच्छा, यहां पर एक बात है कि आपको सिर्फ क्लियरली बताया गया, सिर्फ मिस्टर बी ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओनर है, मिसेस बी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओनर नहीं है। तो ऑब्वियस है कि ये जो 1,44,000 है ये क्लब हो जाएगा, टू बी क्लब्ड। किसके हाथ में? मिस्टर बी के हाथ में 1,44,000। यहां से हटा देते हैं, ये क्लब होगा ही होगा, समझ में आ गया। और इसके बाद एक 50,000 रुपए की क्या मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, वो मैं माइनस कर देता हूं और मैं इसकी टोटल इनकम लिख देता हूं कि मिस्टर बी की जो टोटल इनकम है वो आएगी 240 प्लस 144 माइनस 50,000 माइनस सॉरी प्लस 30,000, तो ये आ गई 3,64,000। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे इनकम आ गई 50,400। कोई डाउट? ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर है 3। समझ में आ गई बात? सैलरी है 20,000 × 12, 240। यहां पे ये लिख दिया था और क्लबिंग हो जाएगी क्योंकि मिस्टर बी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओनर है, तो ये क्लब हो गया। और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी सैलरी वाले में से, तो सैलरी वाले में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्सेज की इनकम दी हुई थी 30,000, हाउस ऑफ डी की इनकम तो वाइफ की थी तो वो डाल दी, बस। तो खत्म कहानी, इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आगे हम करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5 इस तरीके से ही आपको क्वेश्चंस को करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरीवन, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 पढ़ा है अभी हमने। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या है? कहता है इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब अगर मैंने कोई इनकम कमाई, मैंने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को और उससे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया और एसेट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ऐसे केस में जो उस एसेट से जो इनकम होगी ना वो इनकम वापस मुझे ही क्लब होगी। कह रहा है वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। पता है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा है? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग ऑलरेडी डीम डोनर का एक सेक्शन पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 27 हम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डीम डोनर याद आ रहा है, तो वहां पर हम हाउस प्रॉपर्टी के लिए पढ़ चुके हैं तो इसलिए यहां नहीं पढ़ेंगे। वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू अदर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन देन एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ये इनकम वापस ट्रांसफरर की इनकम में ही जाके क्लब होगी, वो जो एसेट से इनकम होगी। समझ में आ गया बात? अच्छा, इसका एक्सेप्शन है बच्चों डायवोर्स। डायवोर्स केस एक्सेप्शन है क्योंकि अगर डायवोर्स हो जाता है हस्बैंड और वाइफ का तो ऐसे केस में हस्बैंड हस्बैंड नहीं रहता, वाइफ वाइफ नहीं रहती। और ऐसे केस में जो एसेट हस्बैंड ने वाइफ को दिया था, ठीक है, डायवोर्स होने की वजह से, तो ऐसे केस में उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो वाइफ को ही टैक्सेबल होगी, हस्बैंड को टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये एक्सेप्शन हो गया डायवोर्स, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। इसके बाद है इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ ट्रांसफर एसेट। इसी के अंदर एक क्लॉज है, कह रहा है अगर मैंने एसेट मैंने अपनी वाइफ को दिया और मेरी वाइफ ने उस एसेट को बिजनेस में डाल दिया तो उस बिजनेस से जो इनकम या लॉस हो रहा है हम उसकी क्लबिंग की बात भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मैंने फिर से बोला, मैंने एक एसेट अपनी वाइफ को दिया, मेरी वाइफ ने उस एसेट को अपने बिजनेस में डाल दिया, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम था या मेरे पास कुछ भी ऐसा था जो मेरी वाइफ के बिजनेस में काम आना था, तो मैंने मेरी वाइफ को दे दिया और मेरी वाइफ ने उस को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा ये एक तरह से कैपिटल इंट्रोड्यूस ही तो है। बट हाँ, यहां पर वाइफ ने नहीं दिया कैपिटल इंट्रोडक्शन, यहां पर किसने दिया? हस्बैंड ने दिया। तो हस्बैंड को भी जो भी उस कंपनी से प्रॉफिट होगा उसका प्रोपोर्शनेटली इनकम उसके हस्बैंड की इनकम में जाके क्या होगा? क्लब। अगर लॉस होगा तो प्रोपोर्शनेटली लॉस भी क्या कर सकते हो आप? सेट ऑफ। सो इट मे बी नोटेड दैट एनी इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर एसेट इज नॉट टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। अच्छा, यहां पर जो है नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं है, इन्वेस्टेड वाला तो ये रहा, सॉरी, इन्वेस्टेड वाला पॉइंट ये था, एक्रीशन वाला पॉइंट जो है ना, ये पहले इन्वेस्टेड वाला पॉइंट बता रहा था ना, इन्वेस्टेड वाला पॉइंट समझ लेते हैं। सो वेयर द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी इन द बिजनेस देन प्रोपोर्शनेट इनकम अराइजिंग टू ट्रांसफरी फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर। If the investment is in the nature of capital contribution, then the proportionate interest receivable by transferee from the firm will be clubbed with the total income of the transfer. So, अगर वो जो investment दी गई है वो as a capital दी गई है, as a loan दी गई है, तो उसके ऊपर जो interest होगा वो proportionately club होगा किसकी income में?
जिसने दिया है वो पैसा। ये देखो एक एग्जांपल है, हस्बैंड ने वाइफ को एफडी गिफ्ट कर दी। क्या गिफ्ट कर दी? एफडी, 10 लाख की एफडी थी, वाइफ ने उसको बिजनेस में डाल दी। तो कैपिटल पहले से वाइफ के पास था 20 लाख रुपए का, पहले से जो चल रहा था, 10 लाख रुपए का और इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैपिटल कितना हो गया? 30 लाख। अब इस साल प्रॉफिट हुआ बिजनेस में 6 लाख रुपए का, जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसमें से जो 10 लाख रुपए हैं वो तो किसने दिए थे? मिस्टर एक्स ने दिए थे, हस्बैंड ने दिए थे। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, 30 लाख टोटल कैपिटल हो गया। तो 6 लाख का जो प्रोपोर्शनेटली 2 लाख रुपए बनेगा, 6 लाख में से 2 लाख रुपए वो क्लब होगा हस्बैंड की इनकम में और बाकी टैक्सेबल होगा वाइफ की इनकम को। समझ में आ गई बात? सच प्रोपोर्शन हैज टू बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट द वैल्यू ऑफ एफोर्सेड इन्वेस्टमेंट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस और बाय वे ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्म एज अ पार्टनर एज द केस मे बी बाय ट्रांसफरी एज ऑन दैट डे। तो उस पर्टिकुलर डेट पर हम ये चेक करेंगे कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को, ठीक है, कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया था ड्यूरिंग द ईयर, कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, और उस प्रोपोर्शन में हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ये देखो ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो इस साल प्रॉफिट हुआ था 6 लाख का, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना हो चुका है टोटल 30 लाख कैपिटल हो चुका है। तो पहले जो नए वाले ना उसने 10, तो 10 डिवाइड बाय 30 इंटू 6 लाख, 2 लाख रुपए जो होगा वो क्लब होगा मिस्टर हस्बैंड की इनकम में। ऐसा ही समझना है, समझ में आ गई बात? ये देखो इनकम टू बी क्लब इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय गिफ्टेड अमाउंट एज ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एज ऑन फर्स्ट अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा मल्टीप्लाई बाय गिफ्टेड अमाउंट, जो भी वैल्यू ऑफ गिफ्ट है एज ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एज ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल, इस प्रोपोर्शनेट में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इनकम क्या होगा क्लब किया जाएगा। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, आओ जरा देखें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। ये देखो ये आपके दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 30। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1st of April 2017 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। अच्छा ध्यान आपने ये देखना है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ना, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो जो ड्यूरिंग द ईयर है उसका प्रॉफिट क्लब नहीं होगा, अगले साल से ही प्रॉफिट क्लब होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा टोटल कैपिटल भी हम 1st अप्रैल का ले रहे हैं और जो वैल्यू ऑफ गिफ्ट ले रहे हैं वो भी 1st अप्रैल का ले रहे हैं। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर नहीं देखना, हमें एज ऑन 1st अप्रैल देखना। सो मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/4/17 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। He incurred a loss of 2 lakh during the previous year 17-18. To overcome the financial position, Mrs. X, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on 1st April 2018, which was immediately invested in the business of Mr. X. तो मिसेस एक्स जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो गिफ्ट देती है 5 लाख रुपए का अपने हस्बैंड को, ठीक है, विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स 1st अप्रैल को देती है। ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब। अब ये देखो ये साल की शुरुआत में ही गिफ्ट किया गया है तो इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट अगर साल के बीच में गिफ्ट किया जाएगा तो अगले साल से प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट करेंगे ना कि पिछले साल से। इज दैट क्लियर? So, compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. X for the assessment year 1920. If Mrs. X gave the said amount as loan, what would be the amount to be clubbed? तो लो जी, बहुत ही आसान है। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर है ये 30, क्वेश्चन नंबर है ये 30, ध्यान से देखना। अब यहां पर
आपको पहले तो निकालना पड़ेगा कैपिटल एज ऑन 1/4/18, क्योंकि हमें 18-19 के प्रॉफिट का इनकम बताना है कि कितना क्लब होगा। सो आपको 1/4/17 का कैपिटल तो दे रखा है, कितना दे रखा है 1/4/17 का कैपिटल? 1/4/17 का कैपिटल है बेटा 5 लाख रुपए। इस 5 लाख रुपए के कैपिटल के बाद 2017-18 में आपका हो गया है लॉस। क्या हो गया 17-18 में लॉस? ये जो लॉस हो गया ना बेटा, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 2 लाख रुपए का। ये लॉस जो है ये हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा जो कैपिटल रह गया है वो 1/4/18 में जो कैपिटल है वो आ गया है हमारा कितना? 3 लाख रुपए का। ऐसे ही करते हैं ना, लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। अब इसके अंदर क्या किया कि ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख का गिफ्ट दिया गया था 1 अप्रैल को ही, और ये एज इट इज आपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में डाल दिया 1/4/18 को ही। कितना रुपए? 5 लाख रुपए। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 8 लाख रुपए का कैपिटल हो गया ये एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 8 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। अब ये जो 8 लाख रुपए का कैपिटल हो गया एज ऑन 1 अप्रैल 2018, हमें इसका प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट फाइंड आउट करना है। 2018-19 का जो प्रॉफिट है, 2018-19 का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2018-19 का जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, ठीक है। अब 4 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो हमें प्रोपोर्शनेट करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट टू बी क्लब्ड कैसे निकालेंगे? 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए का गिफ्ट था? 5 लाख का गिफ्ट था, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 8 लाख। तो ये जो 4 लाख का है, 4 लाख रुपए में से प्रोपोर्शनेट जब किए करेंगे तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट। ये इनकम क्लब होगा। किसको क्लब होगा? मिस्टर एक्स को क्लब होगा। सॉरी, मिस्टर एक्स को नहीं, मिसेज एक्स को, है ना? मिसेज एक्स ने दिया ना, टू बी क्लब्ड In the hands of Mrs. X। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है एवरीवन? बहुत ही आसान टॉपिक है ये, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, समझे मेरी बात, ठीक है। तो आपको ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 4 लाख × 5 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, ये जो आया ना 2.5 लाख रुपए, ये प्रोपोर्शनेटी क्लब होगा मिसेज एक्स की इनकम में। समझ में आ गई बात? आई होप आप लोग नोट कर रहे हो साथ साथ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स कमेंस अ प्रोप्राइटरी बिजनेस इन 2005, हिज कैपिटल एज ऑन 1/4/17 इज 6 लाख रुपीज ऑन 1/10/4/17। अब ये देखो, ये यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर है गिफ्ट, है या नहीं है? चलो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 33, ठीक है। अब आपको ड्यूरिंग द ईयर गिफ्ट दिया गया 10/4/17, हिज वाइफ गिफ्टेड 2 लाख विच ही इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑन सेम डेट, ठीक है। अब आपको 17-18 का प्रॉफिट भी दिया, 18-19 का भी दिया है। मुझे बताओ 17-18 का क्या क्लबिंग होगी? प्रोपोर्शनेट होगा? नहीं होगा 17-18 का प्रोपोर्शनेट, सीधा 18-19 का ही प्रोपोर्शनेट होगा। सो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, अब हम लोगों ने 18-19 के हिसाब से फाइंड आउट करना है। मुझे कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है एज ऑन 1/4/17। कितना कैपिटल दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख रुपए, ठीक है। इसके अंदर, कैपिटल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर 10 अप्रैल 2017 को कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कितना रुपए का? 2 लाख रुपए का, लो, ठीक है। और आपके पास टोटल कैपिटल अब कितना हो गया? 8 लाख रुपए हो गया। 17-18 में प्रॉफिट भी हुआ है, 2017-18 में प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है बेटा? 2017-18 में प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपए का। तो अब मिला के ये कैपिटल हो जाता है 2,11 लाख रुपए। कितने हो जाता है? 11 लाख। ये कैपिटल है एज ऑन 1/4/2018, ठीक है बेटा, 1/4/2018 का ये कैपिटल है 11 लाख रुपए। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट निकालना है 2018-19 का। तो प्रॉफिट 2018-19 का जो प्रॉफिट है वो कितना है? वो 18-19 का जो प्रॉफिट है वो है 4,40,000। इस 4,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख, तो मेरा आ जाएगा 4,40 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 11, 80,000। ये जो 80,000 रुपए का प्रॉफिट है ना,
ये क्लब कर देंगे, टू बी क्लब्ड, टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स की इनकम में जाके ये वाली इनकम क्या कर देंगे दोस्तों, क्लब कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बताओ? 80,000 रुपए मिसेज मिस्टर एक्स की इनकम में जाके क्लब कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 ही सोल्ड अ वेकेंट साइट व्हिच रिजल्टेड इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 5 लाख। ठीक है, अब आपके पास 5 लाख का कैपिटल गेन भी हुआ था, ओके, तो 5 लाख का कैपिटल गेन वो हो गया। अच्छा, ये मिस्टर एक्स नहीं, सॉरी मिसेज एक्स, मिसेज एक्स ने दिया था ना गिफ्ट, तो मिस्टर एक्स की टोटल इनकम क्या होगी और मिसेज एक्स की क्या होगी, कैसे निकालेंगे? मिस्टर एक्स की टोटल इनकम होगी बेटा 4,40,000 का प्रॉफिट है, मिस्टर एक्स की इनकम होगी 4,40 माइनस 80,000, यानी मिस्टर एक्स की क्या होगी 3,60,000 रुपए का पीजीबीपी और कैपिटल गेन भी तो है, कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन। तो अगर मुझसे कोई पूछे मिस्टर एक्स की क्या इनकम है तो मैं क्या बताऊंगा, मिस्टर एक्स की इनकम है बेटा 8,60,000 और मिसेज एक्स की इनकम यहां पर कितनी है, और कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं हुई, तो मिसेज एक्स की इनकम कितनी होगी 80,000, खत्म। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली एक और चीज जो मैं आपको बता रहा था, इनकम फ्रॉम एक्रिशन, एक्रिशन का मतलब यह हुआ, एक्रिशन का मतलब यह हुआ कि अगर मैं एसेट अपनी वाइफ के नाम पर करता हूं, हाँ, उस एसेट से इनकम मेरी वाइफ को होती है, अब वो जो इनकम आई है ना, वो इनकम तो क्लब होगी मिस्टर मेरे इनकम में, बट वो जो इनकम है ना, उस इनकम को भी उसने आगे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उस इनकम को, एसेट को नहीं, इनकम को, इनकम को जो इन्वेस्ट किया उससे जो पैसे कमाए ना, वो क्लब नहीं होंगे। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि मैंने अपनी वाइफ को, मैंने अपनी वाइफ को क्या दिया था, एक एसेट दिया था, ठीक है, और उस एसेट से क्या होती थी, इनकम होती थी, इस एसेट से जो इनकम होती थी ये तो क्लब होगी, ये तो क्लब होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, ये तो क्लब होगी, बट ये जो इनकम है ना, इस इनकम को यूज करके कुछ और इनकम कमाई है, इसको बोलते हैं एक्रिशन। क्या बोलते हैं? एक्रिशन। इस इनकम से जो इनकम कमाई है ना, ये इनकम वाइफ को ही टैक्सेबल होगी, ये क्लबिंग नहीं होगी, नॉट टू बी क्लब्ड, क्लब नहीं होगी, ये वाइफ को ही क्या होगी, सीधा सीधा टैक्सेबल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो यस, यस और नो। हस्बैंड ने वाइफ को दिया एसेट और वाइफ ने आगे इनकम कमाई उस एसेट से, वो इनकम तो क्लब होगी होगी, बट उस इनकम से जो इनकम कमाया है आगे, ठीक है, वो इनकम क्लब नहीं होगी, वो वाइफ को टैक्सेबल होगी। ये बात लिखिए, इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ ट्रांसफर एसेट के अंदर, ठीक है, आ जाओ आगे। तो ये सारा जो काम जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, वो हम लोगों ने किसके हिसाब से डिस्कस किया है, हमने स्पाउस के हिसाब से डिस्कस किया है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, एक है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, ये है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ। सन्स वाइफ मतलब बहुरानी। अगर मैंने एसेट अपनी सन्स वाइफ को दे दिया तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो सन्स वाइफ की जो इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी वापस, उसको क्लब हो जाएगी जिसने वो एसेट दिया था, मतलब ससुर जी ने अगर दिया था तो ससुर जी को, और अगर सास ने दिया था तो सासू मां ने दिया था तो सासू मां। समझ में आ गई बात? सो ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ, अगर सन्स वाइफ को एसेट दिया तो उस एसेट से जो इनकम होगी वो वापस ट्रांसफरर की इनकम में जाके क्लब हो जाएगा। सिमिलर प्रोविजन है जो हम लोगों ने वाइफ के लिए पढ़े थे ना, यहां पर सन्स वाइफ है, सिर्फ ये वहां पर वाइफ था, यहां पर सन्स वाइफ है, बाकी सारी बातें सेम एज इट इज अप्लाई होती है। समझ में आ गई बात? सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 हो गया सन्स वाइफ, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 हो गया ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्पाउस। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्पाउस मतलब अगर मैंने एसेट जो है ना डायरेक्टली अपने स्पाउस को नहीं दिया, मैंने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जिसकी ओनर मेरी वाइफ है, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है? मेरी वाइफ को मिल रहा है। भाई कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म को दे दिया जिसमें पार्टनर मेरी वाइफ है, तो ऐसे केस में उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है? मेरी वाइफ को मिल रहा है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि ये इनकम क्लब होगी वापस ट्रांसफरर की इनकम में, सेक्शन 64 क्लॉज 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 कहता है ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सन्स वाइफ। तो एग्जैक्टली वैसे ही कि अगर मैंने मिस्टर एक्स ने एसेट दे दिया, किसको दे दिया? एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी को दे दिया एसेट, ठीक है,
इसको कंपनी को एसेट दे दिया और ये कंपनी में मान लेते हैं 20% ओनरशिप किसकी है, मिसेस एक्स की है, वाइफ की है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ये कहता है कि ये इस एसेट से जो इनकम होगी ना वो इनकम वापस क्लब कर देंगे हम मिस्टर एक्स की इनकम में। समझ में आ गई बात? या फिर आप एक फर्म में पार्टनर बन, फर्म में पार्टनर थे, तो ऐसे केस में भी जो पार्टनर जो उस एसेट से इनकम होगी ना वो फर्म को टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम वापस मिस्टर एक्स के नाम पे ही क्लब हो जाएगी। समझ में आ गया? तो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्पाउस या फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सन्स वाइफ, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सन्स वाइफ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8। तो बेटा अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, तो हमने सेक्शन नंबर 64 के अंदर 64(1) क्लॉज 2 पढ़ा था, क्लॉज 4 पढ़ा था, क्लॉज 6 पढ़ा था, क्लॉज 7 पढ़ा था, क्लॉज 8 पढ़ा। समझ में आया? क्लॉज 2 हो गया, क्लॉज 2 किसके लिए हो गया, क्लॉज 2 हो गया रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कंसर्न, क्लॉज 4 हो गया सन्स वाइफ, क्लॉज 6 हो गया क्लॉज 4 हो गया वाइफ यानी स्पाउस, क्लॉज 6 हो गया सन्स वाइफ, क्लॉज 7 हो गया ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्पाउस, और ये हो गया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सन्स वाइफ। समझ में आ गई बात? सेक्शन 64 का एक और सेक्शन है सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 1A क्लबिंग इनकम इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड के केस में क्या होगा भाई? अगर माइनर चाइल्ड के केस की बात करें ना, तो अगर आप माइनर के नाम पे कोई एसेट करते हो तो वो उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी वापस पेरेंट की इनकम में। याद रखना माइनर कभी टैक्स नहीं देता, माइनर की इनकम हमेशा क्लब होती है पेरेंट की इनकम में, और वो भी उस पेरेंट की, फादर या मदर, कौन से पेरेंट, फादर या मदर, फादर की इनकम में होगी या फिर मदर की इनकम होगी जिसकी इनकम ऑलरेडी हायर होगी। तो कहता है ऑल इनकम ऑफ माइनर इज टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ पेरेंट हुज इनकम इज ऑलरेडी हायर, वंस क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम इज डन विद दैट ऑफ वन ऑफ द पेरेंट इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब्ड विद दैट ऑफ पेरेंट ओनली इन द सब्सिक्वेंट इयर्स अनलेस असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हमेशा पेरेंट की इनकम में ही क्लब होगा जिसकी ऑलरेडी ज्यादा होगी इनकम। सो वेयर द मैरिज ऑफ द पेरेंट डज नॉट सब्सिस्ट, यानी दोनों के बीच में हो गया डिवोर्स, तो ऐसे केस में माइनर चाइल्ड की इनकम किसकी इनकम में क्लब होगा? सो ऐसे केस में द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड, हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे होता है ना कि अगर डिवोर्स होता है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन रखेगा बच्चा, तो जो बच्चा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है उसी की इनकम में जाके वो क्लब होगा। इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। सर अगर वो माइनर है और वो मैरिड डॉटर भी है ना, शादी हो चुकी है, फिर भी ये इनकम वापस क्या होगी? आपके पेरेंट्स की इनकम में ही क्लब होगी जब तक वो माइनर है। समझ में आ गई बात? सर सेक्शन नंबर है जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। अच्छा इसका ना एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन के साथ साथ एग्जेम्पशन भी है। सर जब भी माइनर की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब होगी ना, व्हेनेवर द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब टू द इनकम ऑफ पेरेंट, देन दैट पेरेंट विल गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32 ऑफ अप टू ₹1500 पर एनम पर चाइल्ड। तो ₹1500 सालाना आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। समझ में आ गई बात? सर इसका एक एक्सेप्शन भी लिखा है, केसेस वेयर माइनर इनकम इज नॉट टू बी क्लब विद दैट ऑफ पेरेंट इनकम। कब क्लबिंग नहीं होगी? पहला, इफ माइनर हैज अर्न इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क, अगर आपने मैनुअल वर्क से अपने एफर्ट से इनकम कमाई है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है माइनर को खुद ही टैक्स देना है, तब पेरेंट की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। सब मतलब पेरेंट्स को क्लब नहीं होगा। इफ माइनर हैज अर्न इनकम फ्रॉम एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल नॉलेज या टैलेंट, अपने स्किल से टैलेंट से या नॉलेज से कमा रहा है, तो ऐसे केस में भी माइनर अपनी इनकम पे टैक्स खुद देगा, वो भी पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगा। और अगर वो माइनर फिजिकली डिसेबल्ड है एज पर सेक्शन 80U, तो उस केस में भी वो इनकम पे टैक्स वो खुद देगा। पता है क्यों? क्योंकि 80U के अंदर ना कुछ स्पेशल डिडक्शन देते हैं माइनर, उस माइनर को नहीं, उस डिसेबल्ड इंसान को। तो अगर वो माइनर है और वो डिसेबल्ड है, 80U वाला डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपनी इनकम पे उसको खुद ही टैक्स देने दो, क्योंकि अगर उसने ना दिया, पेरेंट ने दिया, तो ऐसे केस में 80U का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। 80U का बेनिफिट अगर अवेल करना है तो ऐसे केस में उसी को खुद को इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, और वो कैसे? टोटल इनकम में अपना दिखाएगा प्लस उसमें से डिडक्शन ले लेगा 80U की। समझ में आ गई बात? सो इफ माइनर चाइल्ड इज फिजिकली डिसेबल्ड एज पर सेक्शन 80U, वो इनकम क्या होगा? वो इनकम क्या होगा भाई? वो इनकम क्लब, इफ माइनर चाइल्ड इज फिजिकली डिसेबल्ड एज पर सेक्शन 80U, वो इनकम क्लब नहीं होगा, वो अपनी इनकम पे टैक्स खुद देगा। और स्कॉलरशिप इनकम जो होती है ना, वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है।
वो तो इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है। स्कॉलरशिप जो है वो आपके अपने टैलेंट स्किल से कमाई हुई है, तो इसलिए वो आपको अपनी इनकम पे टैक्स खुद देना है, वो पेरेंट्स को नहीं देना होगा। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाए थे। इन केस हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन एज पर सेक्शन 27(1) द ट्रांसफरर विच इज द ट्रांसफरर पेरेंट विल बी डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इन सच केस एनी इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर विदाउट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने माइनर चाइल्ड के नाम पे कर दी विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो एज पर सेक्शन 27 लग जाएगा डीम्ड ओनर वाला केस। 1500 रुपए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या आप लोगों ने पढ़ा था सर हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी की जो भी रेंट होगा वो क्लब हो जाएगा किसकी इनकम में? पेरेंट की इनकम में, और पेरेंट की इनकम में होने के बाद माइनस कर देंगे 1500। वो नहीं होगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जो है वो हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 27 में पढ़ चुके हैं, और वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एग्जेम्पशन नहीं थी। सो इन केस हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन एज पर सेक्शन 27 द ट्रांसफर पेरेंट विल बी डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हो गई वो तो। इन सच केस एनी इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर विदाउट एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये सेक्शन 27 था। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू माइनर मैरिड डॉटर विदाउट कंसिडरेशन, देन सेक्शन 27(1) इज नॉट अट्रैक्टेड। यानी अगर आपने माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो सेक्शन 27(1) नहीं आएगा, यानी डीम डोनर का केस नहीं लगेगा। इन सच केस द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हुज इनकम इज ऑलरेडी हायर, एंड दैट पेरेंट विल क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32। सर अगर आपने प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया माइनर मैरिड डॉटर को, तो ऐसे केस में सेक्शन 27 नहीं लगेगा, यानी डीम्ड ओनरशिप वाला केस नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो इसका मतलब है कि वो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी क्या? मैंने ऐसा नहीं बोला। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्लब होगी, बट वो क्लब होगी किसकी इनकम में? जिसकी इनकम ऑलरेडी हायर है पेरेंट की, जिसकी इनकम ऑलरेडी हायर है, और उस पेरेंट को एग्जेम्पशन भी मिलेगी। मतलब ये वाला जो सेक्शन 27 के लिए हम लोग माइनर मैरिड डॉटर के लिए पढ़ रहे हैं ना, माइनर मैरिड डॉटर वाला 27 के ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं। तो माइनर मैरिड डॉटर 27 पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसमें तो आएगा ही ना। समझ में आ गई बात? इसके हिसाब से वो इनकम क्लब करेंगे, और क्लब करने के बाद एग्जेम्पशन भी दे देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली देते हैं। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम एक्रीशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हुज इनकम इज ऑलरेडी हायर। एक्रीशन फिर वही वाली बात, मैंने अपने बच्चे के नाम पे कोई एसेट किया, बच्चे ने उस एसेट से इनकम कमाई, वो इनकम तो क्लब होगी, बट उस इनकम से इनकम जो कमाई वो बच्चे की इनकम में नहीं, वो भी वापस मेरी इनकम में क्लब होगी जिसकी ऑलरेडी इनकम ज्यादा है। समझ में आ गई बात? सर बच्चे के लिए चीज नहीं है क्योंकि वो है तो रहेगा तो माइनर ही ना। सो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम एक्रीशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हुज इनकम इज ऑलरेडी हायर। इफ अ माइनर हैज अर्न इनकम थ्रू टैलेंट स्किल नॉलेज से पैसे कमाए हैं, ठीक है, एंड दैट इनकम हैज बीन इन्वेस्टेड बाय माइनर, और उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह कमा रहा है, तो भी वो इनकम क्लब होगी पेरेंट की इनकम में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा जो आपने कमाया था वो आपने अपने टैलेंट स्किल नॉलेज से कमाया था। सिर्फ वही पैसा, टैलेंट स्किल नॉलेज वाला पैसा, वो इनकम क्लब नहीं होगा, बाकी सारी इनकम क्लब होगी, और क्लब होने के बाद एग्जेम्पशन 1500 रुपए की मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये था सेक्शन 64(1)(a) माइनर चाइल्ड, और इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आओ जरा कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सैलरी इनकम दे रखी है कंप्यूटेड, मतलब ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुका है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया हुआ है ऑफ मिस्टर ए 3,90,000 रुपए का। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स। भाई ये जो माइनर सन है, माइनर सन हुआ ना, पेरेंट की इनकम में क्लब होगा। अब आपको देखना है ऑलरेडी हायर किसकी है। अब ऑलरेडी हायर देखेंगे तो ऑलरेडी मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है, यस और नो? मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है, तो क्या करें? एक तरफ बनाए मिस्टर ए और एक तरफ बनाते हैं मिसेज ए। सबसे पहले तो मिस्टर ए की सैलरी इनकम लिख लो ना, कितनी है? मिस्टर ए की तो सैलरी इनकम है ही नहीं, मिसेज ए की है 2,30,000। और पीजीबीपी लिख लो, पीजीबीपी लिख लो मिस्टर ए का 3,90,000। ये दोनों इनकम लिखने के बाद ही आपके अदर हेड इनकम्स हो गई। अब इसके बाद इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स। तो माइनर सन, इनकम ऑफ माइनर सन, माइनर सन बी जो है ना उसकी इनकम क्लब होगी पेरेंट्स की इनकम में, ठीक है। अब कौन से पेरेंट्स की होगी ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जिसकी ऑलरेडी हायर हो। अब इनमें से ऑलरेडी हायर किसकी है? मिस्टर ए की है, मिसेज ए की? मिस्टर ए की। सो 15,000 रुपए जो है ना, 15,000 रुपए जो है
उसमें से सेक्शन 1032 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यानी 1500 रुपए की एग्जेम्पशन लेने के बाद 13,500 जो आ रहा है वो क्लब हो जाएगा। किसकी इनकम में क्लब कर दें? माइनर माइनस ऑन बी की इनकम, मिस्टर ए की इनकम, कोई डाउट? इसके अलावा इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, अब ये क्लब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? स्पेशल टैलेंट, टैलेंट स्किल से कमाया है, नहीं होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट, नहीं, ये क्लब होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपने टैलेंट से जरूर कमाया बट है तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ना, तो वो जो इंटरेस्ट रिटर्न है वो हमेशा क्लब होगा। तो ये एक अलग अलग की है, सी की इनकम है। सो इनकम ऑफ माइनर सी, माइनर सी, ये इनकम 3000 रुपए की है। ये 3000 रुपए की जो इनकम है इसमें से सेक्शन 1032 की एग्जेम्पशन लेने के बाद 1500 रुपए की इनकम क्लब हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये हो गया। और गिफ्ट रिसीव बाय सी फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिस्टर मिसेस ए, 50,000 रुपए तक तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है, तो क्या छोटी मोटी बात करनी, 2,500 रुपए गिफ्ट मिला है, टोटल कर दो बस, हो गया काम खत्म। तो 3,90,000 और 15,000, ये हो गया 4,05,000, और मिसेस ए का इनकम हो गया 2,30,000 रुपए टोटल इनकम। समझ में आई बात एवरीवन? इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। मिस्टर दागा इज अ ट्रेडर, पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर गिवन बिलो। तो आपके इनकम ऑफ मिस्टर दागा बिजनेस दिया है 2,90,000, सैलरी डिराइव फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मिसेस दागा, 1,50,000 रुपए की सैलरी मिलती है मिसेस दागा को, ठीक है, और मिस्टर दागा 2,90,000 का पीजीबीपी इनकम कमा रहा है, ओके, ठीक है। अब देखो मिसेस दागा के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, यानी 1,00,000 रुपए रह जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट डिराइव फ्रॉम मास्टर दीप दागा माइनर सन, अच्छा मास्टर दीप दागा ये सन है, माइनर सन है, और कंपनी डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इनकम क्लब होगा, मिस्टर दागा की इनकम है, यानी 12,000 माइनस 1500, 10,500 रुपए टैक्सेबल होगा, है ना। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स मेड बाय द माइनर दीपाली दागा, ये तो नोटेड चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो टैलेंट स्किल से कमा रही है, तो ये अपनी इनकम पे टैक्स खुद देगी दीपाली दागा, तो इसका कुछ नहीं होगा। इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी अर्निंग बाय मास्टर दीपेंद्र दागा, ये जो 26,000 रुपए की इनकम है ये भी इनकम क्लब हो जाएगी, किसकी इनकम में? मिस्टर दागा की इनकम के अंदर। समझ में आ गई बात? 26,000 रुपए क्लब हो जाएगी, और इसमें से 1500 रुपए की एग्जेम्पशन आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, देखो आपको दो अल्टरनेट व्यू दिखाने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें 1500 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, समझ में आया? अगर अब नहीं मिलेगी तो उसका आंसर मैं अलग कर देता हूं, और ये एक अल्टरनेट व्यू से मैंने आंसर दिखाया हुआ है एवरीवन, ये एक अल्टरनेट व्यू से आंसर दिखाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं इसका एक और आंसर जो होगा वो क्या होगा, 290 + 10,500 + 26,000, तो आंसर 3,26,500 लिख लेना, एक और आंसर है ऑल्टरनेट व्यू, क्योंकि 1500 रुपए की एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगी अगर वो लॉटरी से कमा रहा है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग तो वो चीजें हैं जिस पर गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन ही नहीं देना चाहता, तो एग्जेम्पशन भी कैसे देगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया था कि हम इस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे क्योंकि ये लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इनकम। समझ में आ गई बात? तो यहां पर दो अल्टरनेट व्यूज हैं, एक कानूनी 1500 रुपए की एग्जेम्पशन सब में मिलती है तो 3,25 आम का आंसर होगा, दूसरा बाय सर्कुलर जो क्लेरिफिकेशन आई थी वो आप लोग यहां पर एडजस्ट कर दोगे, और उसमें से 26 में से 1500 माइनस करके तो अच्छा सॉरी 26 का 26 क्लब हो जाएगा और 1500 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी उस केस में, और सारा का सारा टैक्सेबल, तो 3,26,500 आपका दूसरा आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। इसी तरीके से है भाई, आगे आ जाते हैं सेक्शन 64(2) के अंदर, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। भाई आपकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी अगर आप एचयूएफ के नाम पे कर देते हो तो क्या होगा? सर वेयर एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हूं, कन्वर्ट्स एट एनी टाइम आफ्टर 31st December 1969 हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। मेरे नाम की खुद की प्रॉपर्टी मैं एचयूएफ के नाम पे कर देता हूं तो गवर्नमेंट ये कहता है तू जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि तेरे को अपनी इनकम पे टैक्स ना देना पड़ जाए, वो एचयूएफ में बढ़ जाए, और एचयूएफ में बढ़ जाएगा तो सबका 2,50,000 रुपए की तो एग्जेम्पशन वैसे ही मिल जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा तू दिमाग लगा के तू जान कैसा कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ ऑफ व्हिच ही इज अ मेंबर और थ्रो सच प्रॉपर्टी इनटू द कॉमन स्टॉक बाय द ऑफ द फैमिली और ट्रांसफर सच इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द फैमिली फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, और बदले में उसने कोई पैसे नहीं लिए, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल में ही क्लब होगा, यानी वो एचयूएफ के नाम पर इनकम नहीं जाएगा, वो वापस
उस ओनर के नाम पे ही वापस चले जाएगा एचयूएफ के मेंबर के नाम पे। समझ में आ गई बात? वेयर द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन पार्टीशनड, अगर उसके हिस्से हो चुके हैं, द इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विच इज रिसीव बाय स्पाउस ऑन पार्टीशन विल बी डीम्ड टू बी द अराइज टू द स्पाउस फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड इनडायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल टू द स्पाउस एंड कॉन्सिक्वेंटली सच इनकम विल बी क्लब्ड टू द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हु हैज कन्वर्टेड सच प्रॉपर्टी। नाउ इस लैंग्वेज का मतलब समझते हैं। वेयर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन पार्टीशन, अगर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी को उसके हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, तो उस हिस्से का एक हिस्सा आपकी वाइफ को भी मिलेगा। द इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विच इज रिसीव बाय द स्पाउस ऑन पार्टीशन विल बी डीम्ड टू बी द अराइज टू द स्पाउस फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड इनडायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल टू दैट स्पाउस। ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना एसेट स्पाउस के नाम पे किया है, ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना एसेट स्पाउस के नाम पे किया है इनडायरेक्टली, ठीक है। और ऐसे केस में वो इनकम क्या होगी, स्पाउस वाला शेयर की, जो स्पाउस वाले हिस्से की इनकम है ना, वो इनकम भी वापस आप ही की इनकम में जाके क्या होगी, क्लब होगी। तो अगर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी के पार्टीशन हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कन्वर्टेड प्रॉपर्टी के पार्टीशन होने के बाद वो इनकम क्लब नहीं होनी चाहिए, इनकम क्लब नहीं होनी चाहिए। बट इनकम क्लब तब हो जाएगी अगर वो जो उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अगर स्पाउस को भी मिल रहा है, तो स्पाउस का जो हिस्सा बनता है उस एसेट से जो भी उसकी इनकम होगी, वो इनकम वापस मिस्टर जो एचयूएफ का मेंबर है उसकी इनकम में ही जाके इनकम क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। समझ में आ गई बात? और लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 65, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी। कहता है इफ द ट्रांसफरर इज अनएबल टू सेटल द लायबिलिटी ऑफ सेक्शन 60-64, अगर, क्योंकि देखो नॉर्मली 60 से लेकर 64 में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ट्रांसफरर से लेना है टैक्स, किससे लेना है, ट्रांसफरर से। अगर ट्रांसफरर नहीं दे पाता, ठीक है, विद स्पेसिफिक रीजन विच हैज बीन सेटिस्फाइड बाय असेसिंग ऑफिसर, अगर वो टैक्स नहीं दे पाता, तो ऐसे केस में हम गवर्नमेंट कहता है ट्रांसफरी से टैक्स लेंगे, किससे टैक्स लेंगे, ट्रांसफरी से लेंगे। ये सेक्शन नंबर 65 है। सो लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास शिफ्ट हो जाएगी अगर ट्रांसफरर टैक्स नहीं दे पाता तो। समझ में आ गई बात? ये है सेक्शन नंबर 65। इज दैट क्लियर? तो हो गया खत्म, ठीक है। इसके अलावा ना एक टॉपिक है बड़ा बेहतरीन विच इज क्रॉस ट्रांसफर्स। क्या नाम है? क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर में बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, सर होता क्या है क्रॉस ट्रांसफर? अगर मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों भाई भाई हैं, मिस्टर एक्स को पता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को एक एसेट दे देता हूं, ठीक है, अगर मैं एसेट दे देता हूं तो वो इनकम जो होगी ना वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन जब दूंगा, तो उस एसेट से जो इनकम होगी ना वो वापस मेरी इनकम में जाके क्लब हो जाएगा। और मिस्टर वाई जो मेरा भाई है ना, उसको भी ये पता है कि मैं अपने अगर अपनी वाइफ को दे दूंगा ना एसेट, तो उसकी इनकम जो होगी वो वापस उसी की इनकम में जाके क्लब हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो दिमाग लगाया दोनों भाइयों ने मिलकर एक दिन एक रात को बैठ के कि भाई क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं अपनी भाभी को एसेट दे देता हूँ, ठीक है, और वो जो है मेरा ब्रदर है वो इधर एसेट गिफ्ट कर देता है, मेरी अपनी भाभी को गिफ्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाभियों के लिए उन्होंने कोई ऐसा नहीं बनाया कि हाँ एसेट की इनकम जो है क्लब होगी। समझ में आया? स्पाउस के लिए बनाया। तो ऐसे केस में ब्रदर्स ने ये दिमाग लगाया कि हाँ अगर हम ऐसा कर दें, जैसे मिस्टर एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम पर कर दी, मिस्टर वाई के, ये देखो मिस्टर एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर दी, मिसेस वाई के नाम पे कर दी, और मिस्टर वाई के पास एक एफडी पड़ी थी जो उसने मिसेस एक्स के नाम पे कर दी। दोनों ने एक दूसरे के वाइफ को एसेट गिफ्ट कर दिए। अब ऐसे करने से क्या होगा, उस एसेट से, अब देखो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट यहां पे क्लबिंग प्रोविजन तो नहीं लगा सकता, देखो लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन तो इस पर अट्रैक्ट ही नहीं होगा, है ना। तो अब यहां पर बचने का क्या, गवर्नमेंट ने इसका भी तोड़ निकाल लिया, गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी ने ऐसा किया, ठीक है, तो कॉमन अमाउंट क्या है कि भाई एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, और जो हाउस प्रॉपर्टी उसका रेंट है 2 लाख रुपए का, कॉमन इनकम तो 1.5 लाख रुपए है ना, तो जो 1.5 लाख रुपए ना वो क्लब हो जाएगा किसका, मिसेज एक्स को जो इनकम मिल रही है वो मिस्टर एक्स की इनकम में जाके क्लब हो जाएगा, और मिसेज वाई को जो इनकम मिल रही है वो मिस्टर वाई की इनकम में जाके क्लब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्लबिंग हो जाएगी, ये क्रॉस ट्रांसफर कहलाया जाएगा, क्योंकि कॉमन है, दोनों के दोनों में कॉमन क्या है, 1.5 लाख रुपए का एफडी का इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? सर क्लबिंग इन मिस्टर द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस केशव जी मोराजी, सीआईटी क्या है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वर्सेस केशव जी मोराजी, एक केस है 1967 का केस है। ऑब्जर्व दैट इफ टू ट्रांजेक्शन आर इंटरकनेक्टेड एंड आर पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मतलब आप जान के देखो, अगर दूसरा अगर मैं अपनी अपने भाई की वाइफ को यानी मैं अपनी भाभी को एसेट देता हूं और मेरा ब्रदर कोई और मेरे ब्रदर गिफ्ट नहीं करता ऐसा कोई, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं होती,
गवर्नमेंट को दिक्कत कब हुई, जब एक इंडिविजुअल एक गिफ्ट गया तो दूसरी तरफ से साइमल्टेनियसली गिफ्ट आया, तो ये चीज गलत है। कह रहा है गवर्नमेंट, कह रहा है ये जानबूझ के किया गया है, क्या ना ये इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शंस हैं, क्या है ये इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शंस एंड आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इन सच अ वे दैट इट कैन बी सेड दैट दैट इज सर्कटियस मेथड वाज अडॉप्टेड टू इवेड टैक्स, टैक्स की चोरी की गई है, देन क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड अकॉर्डिंगली, मिसेज एक्स इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉमन अमाउंट। समझ में आ गया, हर चीज का तोड़ है भाई, तो इनकम टैक्स वालों ने यहां पर भी तोड़ निकाला हुआ था। इज दैट क्लियर? That's it. तो सेक्शन 60 हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, सेक्शन 61 इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, 62 इररेवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन, 63 रेवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन, 64.12 इनकम बाय वे ऑफ रेमुनरेशन ऑफ स्पेसिफाइड कंसर्न, 64.14 इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, 64.16 ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ, क्लॉज 7 ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, क्लॉज 8 ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, और क्या कहते हैं सेक्शन 64.1A ये है हमारा माइनर चाइल्ड, और 64.2 हो गया कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ, और सेक्शन 65 विच इज लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी, ये है हमारे क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम कर दिया है हमने फिनिश, विद क्वेश्चंस किए हैं मैंने आपको करवा दिए, अब हम लोग एक बारी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को भी देख लेते हैं। आ जाओ, ये लो जी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है ना सेक्शन 70 से लेके 80 में कवर होता है, कहां तक, सेक्शन 70 से लेके 80 की कवरेज है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर की, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो करना क्या है, करना यह है कि गवर्नमेंट कहता है कि हाँ आप अगर अपने लॉसेस को सेट ऑफ करना चाहते हो, ठीक है, तो आप दूसरी इनकम्स के साथ इसको सेट ऑफ कर सकते हो, अगर लॉस फिर भी बच जाए तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो आने वाले सालों में, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप सेट ऑफ कर देना। तो कहने का मतलब है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर यह बताया गया है, आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में या किसी हाउस प्रॉपर्टी में या कहीं पर भी आपको लॉस होता है ना, तो आप उसको दूसरी इनकम्स के साथ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम हो जाएगी कम, उसमें आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई ना? तो इन इंडिया इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द असेसी अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द टोटल इनकम मीन सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम विच मे इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो, देयर आर द रूल्स विच हैज बीन मेड टू सेट ऑफ द लॉसेस विद इनकम्स विच आर एज फॉलोस। स्टेप वन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, स्टेप वन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन नंबर 70। इंट्रा हेड का मतलब होता हेड के अंदर अंदर, ठीक है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर हेड के अंदर अलग अलग सोर्सेज, जैसे मेरा एक बिजनेस नहीं है मेरे चार बिजनेस हैं, तो पीजीबीपी हेड ही हुआ बट उसके चार अलग अलग बिजनेस हो गए, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, बिजनेस डी। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस सी में लॉस हुआ तो मैं पहले बिजनेस बी के साथ सेट ऑफ करूंगा जो मेरा प्रॉफिटेबल है। समझ में आ गई बात? मेरे पास तीन हाउस प्रॉपर्टीज हैं, हाउस प्रॉपर्टी ए, हाउस प्रॉपर्टी बी, हाउस प्रॉपर्टी सी, हाउस प्रॉपर्टी सी में लॉस है फिर ए और बी में प्रॉफिट है, पहले मैं किसी और हेड को किसी और हेड के साथ सेट ऑफ करने से पहले मैं अपने ही हेड के अंदर अलग सोर्स के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गई बात? सो इंट्रा हेड का मतलब होता है विद इन द हेड, अब दूसरे सोर्स के साथ, इंटर हेड का मतलब होता है जब ऐसा हो जाए कि हाँ विद इन द हेड ट्राई कर लिया सेट ऑफ होने के बाद भी बच जाता है लॉस, तो आप इंटर हेड कर सकते हो, इंटर हेड मतलब एक हेड का दूसरे हेड के साथ। फिर इसके बाद स्टेप थ्री है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब है कि अगर आप इंट्रा हेड भी कर चुके हो इंटर हेड भी कर चुके हो और फिर भी अगर लॉस बच जाता है ना, तो आप इस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो आने वाले सालों के लिए, आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो आने वाले सालों में जो भी इनकम होगी उस इनकम के साथ इस लॉस को सेट ऑफ कर सकोगे। ठीक है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन नंबर 70 में कवर होता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन नंबर 71 में आता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है जनरली सेक्शन 72 से लेके 80 जो है वो सारे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। स्टेप नंबर वन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन नंबर 70 क्या कहता है, अंडर दिस सेक्शन द लॉसेस इनकर्ड बाय एसेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम इन सेम असेसमेंट ईयर। सो एक एग्जांपल है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास दो हैं ए और बी, 6 लाख रुपए की इनकम हाउस प्रॉपर्टी ए से है और बी से 2 लाख रुपए का लॉस है, तो मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा और मेरी टोटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की हो जाएगी 4 लाख। ऐसे ही मेरे पास तीन बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, एक तरफ 8 लाख रुपए की इनकम है, बी में 10 लाख रुपए का लॉस है, सी में 4 लाख रुपए का लॉस है, तो मैं इन सबको पहले आपस में सेट ऑफ करूंगा। ठीक है, मैंने सेट ऑफ कर दिया और मेरे पास बिजनेस में लॉस आ रहा है कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का, मैंने आपस में सेट ऑफ किया, इनको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। समझ में आ गई बात?
अब इसके एक्सेप्शन भी हैं जहां पे आप इंटरनेट एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं कर पाओगे। पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सर दोस्तों, इनकम टैक्स वाले कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना वो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। हालांकि कैपिटल गेन का जो हेड है उसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म। बट कह रहा लॉन्ग टर्म लॉस जो है ना वो लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो दूसरे हेड का तो बात ही छोड़ दो ना, लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों के साथ जा सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा। समझ में आ गई बात, ये एक एक्सेप्शन है। नंबर दो, एक्सेप्शन नंबर दो है स्पेक्यूलेशन लॉस, सट्टाबाजारी वाला लॉस। अगर आप स्पेक्यूलेशन करते हो और उससे आपको कुछ लॉस होता है, ठीक है, अगर आपको कुछ स्पेक्यूलेशन से कुछ लॉस होता है तो स्पेक्यूलेशन वाला जो लॉस है ना वो स्पेक्यूलेशन इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। पहले ही गंदी इनकम है, तुक्के वाली इनकम है। गवर्नमेंट कह रहा है अगर आपने सट्टाबाजारी वाला लॉस कमाया ना तो ये लॉस जो है ना आप स्पेक्यूलेशन इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, वरना मत करना। वरना क्या करें, वरना आप कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल। समझ में आ गई बात। स्टेप नंबर वन के अंदर जो हम इंट्राहेड एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, दूसरा एक्सेप्शन पढ़ा स्पेक्यूलेशन लॉस, तीसरा है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो ये एक एक्टिविटी है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। मैं रिसोर्सेज को ओन करता हूं और मेंटेन करता हूं, ठीक है, और जब भी रेसेस होती हैं उसमें दौड़ाता भी हूं उनको, है ना। तो इस पर क्या होता है, कई बार लोग दाव लगाते हैं, बेटिंग लगाते हैं कि हाँ ये घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा जीतेगा, ठीक है, और ऐसे केस में मुझे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज अगर हो जाता है ना तो गवर्नमेंट कहता है ये जो लॉस है ना ये आप सेट ऑफ कर सकते हो इसी सेम एक्टिविटी से। यानी जब भी कभी मुझे कोई इनकम होती है इस एक्टिविटी से तो उस इनकम के साथ इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, वरना हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर फोर, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। मैंने आपको पीजीबीपी चैप्टर में कराया होगा बेटा, याद करो सेक्शन नंबर 35 एडी, स्पेसिफाइड बिजनेस, बहुत सारे स्पेसिफाइड बिजनेस होते थे, है ना। मैं वन ऑफ द एग्जांपल आपको देता हूँ, कुछ याद आ रहा है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या तो आपको ये याद आ रहा होगा क्या कहते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, आपको याद आ रहा होगा पाइपलाइन फॉर आयरन ओर्स, आपको याद आ रहा होगा पाइपलाइन फॉर पेट्रोलियम नेचुरल गैस क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, कुछ याद आ रहा है। ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, है ना, कोल्ड चेन वाला, हाँ ये सब, ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, गवर्नमेंट ने कहा स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है ना वो स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। समझ में आ गई बात। ये बातें हम लोग ऑलरेडी पीजीबीपी में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब गंदी इनकम, कुछ याद आ रहा है गंदी इनकम। गंदे इनकम में अगर तुम्हें नुकसान हो जाए, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में नुकसान हो जाए, तो वो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग की इनकम के साथ ही सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब वो किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो इतनी गंदी इनकम है वो किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। कैजुअल लॉसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ इवन विद द इनकम ऑफ सेम नेचर, एनी अदर हेड लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद सच इनकम। यानी अगर मेरे को कोई लॉस होता है, कैजुअल लॉस होता है, तो वो कैजुअल लॉस मैं इस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता। और इनफैक्ट कैजुअल अगर मुझे इनकम है और मेरे पास कोई और लॉस है, वो लॉस भी मैं इस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैजुअल इनकम पे फ्लैट टैक्स पे करना पड़ता है 30% का। पहले ही तुक्के वाली इनकम है, एक तो गलत इलीगल इनकम है, इलीगल तो नहीं कहूंगा, लीगल है क्योंकि टैक्स तो हम पे कर रहे हैं, नहीं देखो लीगल है, इलीगल नहीं कहूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका इस हेड में कोई लॉस होता है तो आप इसको किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ कर नहीं सकते, इवन अपनी ही इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसमें यह बात भी बोली गई है कि अगर आपके पास कोई इसी हेड से रिलेटेड कैजुअल इनकम में ही अगर आपका कोई इनकम है और आपके पास कोई और हेड में लॉस है तो वो लॉस को आप इस इनकम के सेट ऑफ कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। यानी इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं है। लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। सही बात है। देखो अगर मेरे पास आज लॉस है कोई एग्जेम्प्ट सोर्स में, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक इनकम होती है जो कि एग्जेम्प्ट होती है, और एग्रीकल्चर में ही अगर मुझे नुकसान हो जाए तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगा कि वो लॉस को मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ दूसरी इनकम के साथ? नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात। सो लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल शेयर ऑफ लॉस, लॉस का शेयर है तुम्हें पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है ना पार्टनर को, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो जो लॉस का शेयर होता है वो उसकी भी कोई बेनिफिट थोड़ा मिलेगा, वो लॉस का शेयर आप डिडक्ट कहीं सेटअप थोड़ा ना करा पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही एग्जेम्प्ट होता है तो लॉस भी तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, लॉस को भी आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। सो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ सिंस द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2A। ये एग्जेम्प्ट होता है। समझ में आ गई बात। एवरीवन
सो ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, समझ में आ गया। स्टेप नंबर वन हमारा हो चुका है विच इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर टू, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट से हार जाओ, अगर लॉस बच जाए तो फिर आप क्या करोगे, इंटर हेड। इंटर हेड मतलब दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ। आफ्टर अप्लाइंग स्टेप वन, इफ लॉसेस अंडर द हेड इज स्टिल देयर, इट कैन बी कैरी फॉर, इट कैन बी सेट ऑफ विद द अदर हेड ऑफ इनकम, इट इज कॉल्ड एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ अबव एग्जाम्पल, अगर आप ऊपर वाला एग्जाम्पल ही देखो, ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी बच रही थी, 4 लाख, और बिजनेस में से लॉस कितना बच रहा था, 6 लाख। ये 6 लाख का लॉस आप इस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ क्या कर दोगे, सेट ऑफ। इसी को बोलते हैं बच्चों इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो मेरे पास टोटल इनकम जो होगा नेगेटिव में आ जाएगा, टोटल इनकम 2 लाख रुपए का नेगेटिव में आ जाएगा, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 4 लाख भी नेगेटिव में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास बिजनेस में 6 लाख का लॉस हुआ था, मैं वो सारा सेट ऑफ कर देता हूं। समझ में आ गई बात? Is that clear to everyone? So after applying step one, if the losses, ठीक है, बात समझ में आ गई। House property का जो ये जो loss है, अभी भी 2 लाख रुपए का बच गया PGBP का loss। वो जो 2 लाख रुपए है, उसको अब हम क्या करेंगे? Carry forward करेंगे। क्या करेंगे? Carry forward करेंगे। But इसके exception समझने बहुत जरूरी है कि step two के भी कुछ exception है क्या? Interhead कहाँ कहाँ adjust नहीं कर सकते? नंबर वन, लॉस अंडर कैपिटल गेन। बेटा वही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बेटा जो अपने ही हेड में जूझ रहे हैं एक दूसरे के साथ सेट ऑफ होने में, वो दूसरों के साथ क्या होंगे, तो नहीं अलाउड, अलाउड ही नहीं है। ये लोग ये आपस में ही सेट ऑफ हो सकते हैं, और वो भी देखो मैंने बता ही दिया आपको कैसे। लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी लॉस में ना आप सैलरी के साथ छोड़ दो, सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हो पीजीबीपी का लॉस। लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ना, वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक से ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते साल भर में। समझ में आ गई बात? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख रुपए। एक्सेप्शन ऑफ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जो भी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है एक्सेप्शन, वो ऑलरेडी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की एक्सेप्शन भी बन जाती है। जैसे कैजुअल वाली, कैजुअल वाली अपनी इनकम के साथ ही सेट ऑफ नहीं हो सकती, दूसरी की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो एक्सेप्शन ऑफ इंट्राहेड एडजस्टमेंट वाली एक्सेप्शन जितनी भी है, वो सारे फोर्थ पॉइंट के अंदर कवर हो जाती है। समझ में आ गया? पीजीबीपी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, बाकी किसी के साथ भी हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड के साथ हो सकता है, एक्सेप्ट अप टू रुपीज 2 लाख रुपए हो सकता है, अप टू रुपीज 2 लाख रुपए सेट ऑफ हो सकता है। स्टेप थ्री क्या है? स्टेप वन, स्टेप टू, थ्री के बाद 2 लाख रुपए जो बच गए थे ना, वो हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में क्या बोलता है, अंडर द एक्ट द असेसी हैज अ राइट टू कैरी फॉरवर्ड एनी लॉस टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आफ्टर अप्लाइंग स्टेप वन एंड स्टेप टू। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और कैरी फॉरवर्ड करने के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और वो रूल्स हमें याद करने पड़ेंगे ताकि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये देखो, सबसे पहले याद रखें, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड के वक्त कह रहा हूं, सेम ईयर में नहीं कह रहा, सेम ईयर में तो आप किसी के साथ भी करो, बट कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। और इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड कितना है बेटा, 8 साल। कितना कैरी फॉरवर्ड पीरियड है, 8 साल, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है, बट इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड कितना है, 4 साल। शॉर्ट टर्म के साथ कितना है, 8 साल। ये तो अच्छी इनकम है ना, गंदी इनकम वाले 4 साल है, तो मैं अभी पढ़ाऊंगा गंदी इनकम वाले कौन से हैं। यहां पर तो पूरा का पूरा कितने हो जाएंगे, 8 साल, 8 ईयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 ईयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ जा सकता है, ठीक है, फ्यूचर में। और गवर्नमेंट कहता है कि इसका भी कैरी फॉरवर्ड पीरियड कितना है, 8 साल। स्पेकुलेशन, क्योंकि ये गंदे हैं तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस भी स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, और इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड कितना है, 4 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस की बात करें तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ ही हो सकता है, और कैरी फॉरवर्ड पीरियड है इंडेफिनाइट, जितना मर्जी कैरी फॉरवर्ड करो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अनएब्जॉर्ब डेट की बात करें, अनएब्जॉर्ब फैमिली एक्सपेंडिचर की बात करें, दोनों में सिमिलर है कि ये किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, और इनका कैरी फॉरवर्ड पीरियड इंडेफिनाइट पीरियड है। ये पीजीबीपी चैप्टर में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अदर बिजनेस लॉस मतलब इसके अलावा कोई और बिजनेस लॉस रह गया हो, अगर अदर बिजनेस लॉस मतलब इसके अलावा कोई और बिजनेस रह गया हो, तो ऐसे केस में वो बिजनेस लॉस जो है वो हम किसी भी और बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड पीरियड 8 साल रहेगा। क्या रहेगा, 8 साल। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाली ये जो एक्टिविटी से लॉस हुआ है ना, ये इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, और इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड कितना है, 4 साल। तो गंदे जो है ना वो उनके ऊपर 4 साल है। कैजुअल लॉसेस को तो अलाउड ही नहीं है ना, वो तो कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे जब वो अलाउड ही नहीं है कि सेट ऑफ कर सकते हैं किसी के साथ। समझ में आ गई बात? तो कैजुअल लॉसेस तो नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, तो कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब ही नहीं बनता। समझ में आ गई बात?
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, सेक्शन 112A, ये हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई होप आप जितने भी बच्चे आए हैं ना, वीडियोस देख रहे हैं ये लोग, ठीक है, रिकॉर्डेड देख रहे हैं चाहे, बट उनको ये समझना है कि ये सब चीज़ें, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें वो आप पिछली वाली वीडियोस में देख चुके हैं। कैपिटल गेन में मैं करा चुका हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर क्या था, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ वाला, लिस्टेड शेयर्स वाला, अगर आपने बेचे और उस पर STT कटा हुआ है, तो ऐसे केस में 1,00,000 से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो वाले अमाउंट पे 10 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उस पर टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा 1,20,000 रुपये, 1,00,000 से क्योंकि ज़्यादा है, 10% टैक्स लगता है इसके ऊपर। कितना लगता है? 10%। ये अमाउंट गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको ठीक कर लेना, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती हो गई है, तो यहाँ पे आएगा 20,000, ठीक है। ये जो 20,000 रुपये है टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्योंकि 1,00,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो क्या हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ये एग्जेम्प्ट सोर्स नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है अंडर सेक्शन 111A, इस पर फ्लैट रेट लगता है टैक्स 15%। कितना लगता है? 15% फ्लैट लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होगा वो वैसे ही है जो हमने अभी तक किया था, वैसे ही करना है, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज नॉट अलाउड फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन नहीं मिलती। कौन से वाले पे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, 111A पे, 111A, ये कर चुके हैं भाई, 111A, 112A हम कर चुके हैं। 111A जो है वो किसका है? लिस्टेड सिक्योरिटी ऑन विच STT हैज बीन पेड, ठीक है। इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो इस पर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको, क्योंकि फ्लैट रेट टैक्स पे करना पड़ता है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A और नॉर्मल भी, दोनों पे आपको फ्लैट रेट टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए डिडक्शन 80C to 80U नहीं मिलेगी। इन दोनों पे ही डिडक्शंस नहीं मिलती। समझ में आ गई बात? इफ असेसी इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी रबड़, अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो आपको पता है टी बिजनेस के अंदर 60-40, ठीक है, टी बिजनेस के अंदर 60-40 किया जाता है, 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर माना जाता है। ऐसे ही कॉफी के लिए अगर हम बात करें तो कॉफी है दो तरह की, ग्रोन एंड क्योर्ड और एक है ग्रोन रोस्टेड एंड क्योर्ड। रोस्टेड कॉफी कहते हैं और एक ग्रोन एंड क्योर्ड। ग्रोन एंड क्योर्ड में 75-25 एग्रीकल्चर, 25 नॉन एग्रीकल्चर, और ग्रोन रोस्टेड एंड क्योर्ड में 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। और रबड़ की बात करें, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ में 65% एग्रीकल्चर और 35% नॉन एग्रीकल्चर हम मानेंगे। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं। एज पर सेक्शन 80, असेसी मस्ट हैव फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ लॉस। ये बात भी आपको जाननी बहुत जरूरी है कि 80 सेक्शन कहता है, सेक्शन 80 ये कहता है कि रिटर्न, चाहे आपने लॉस ही क्यों ना हुआ, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हुआ हो, लॉस का भी आपको रिटर्न भरना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लॉस का रिटर्न नहीं भरा तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात? कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लॉस की रिटर्न भी आपको भरनी पड़ेगी। सेक्शन 80 रिक्वायर्स मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन और बिफोर। अच्छा, इसकी एक्सेप्शन भी है कि आप दो ऐसी चीजें हैं जिसको आप स्टिल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस को टाइम पे नहीं भरा तो, कोई बात नहीं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। ये एक्सेप्शन मैंने यहां लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यानी ये स्टिल कैरी फॉरवर्ड की जा सकती। ठीक है, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज टू बी सेट ऑफ बिफोर सेटिंग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, देयरफॉर The order to which set off will be affected as follows. तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा सबसे पहले loss set off करना है। So सबसे पहले current year depreciation set off करना है, फिर इसके बाद brought forward loss from business profession set off करना है, फिर unabsorbed depreciation, फिर unabsorbed capital expenditure on scientific research, फिर unabsorbed expenditure on family planning. तो इस तरीके से आपके जो sequence होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले करंट ईयर वाला हिसाब किताब कर दो, फिर इसके बाद आप सबसे पहले पिछले सालों का बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दो, फिर आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर दो, फिर आप अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को कर दो। यार देखो, ये जो तीन है, ये वाले जो तीन पॉइंट है, ये तीन तो वैसे भी अनलिमिटेड टाइम के लिए है ना, तो आप जितने मर्जी टाइम तक के लिए धकेल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको तो साथ साथ ही कर दो, ये तो 8 साल के लिए ही है ना, बाद में ये तो दिक्कत देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहता है कि पहले इनको सेट ऑफ करो। समझ में आ गई बात एवरीवन? That's it दोस्तों, ये है हमारा कौन सा चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आज वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, जैसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है अभी तो आपके सामने,
इनकम फ्रॉम सैलरी दी है 4 लाख रुपए, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिया है 70,000 रुपए नेगेटिव, लॉस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी दिया है 1.5 लाख रुपए नेगेटिव, बिजनेस लॉस दिया है 1 लाख रुपए नेगेटिव, बैंक इंटरेस्ट दिया है 80,000 रुपए। सो भाई आपको करना क्या है, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है, इसका मतलब है ये तो आपकी ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद है 4 लाख रुपए, इसको तो छोड़ ही दो। फिर इसके बाद लॉस ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों लॉस को ऐड कर दो तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है टोटल 2,20,000 रुपए का। अब हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो है टोटल 2,20,000 रुपए का, 2,20,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस लॉस है बेटा आपका, बिजनेस लॉस है आपका 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपका है बिजनेस लॉस, ठीक है, ये भी ठीक है। बैंक इंटरेस्ट यानी अदर सोर्सेज इनकम आपकी है 80,000 रुपए की, आपकी अदर सोर्सेज इनकम है, ठीक है, 80,000 रुपए की आपकी अदर सोर्सेज इनकम है। अब करना क्या है, आपका करना यह है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉस किसके साथ सेट ऑफ कर लो। तो सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी को कर दो, पता है क्यों, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यहां पर मैं मैक्सिमम 2 लाख कर सकता हूं क्योंकि हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी लॉस 2 लाख से ज्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते। इंट्रा हेड कुछ है नहीं, इंटर हेड कर रहे हैं अब हम, तो इंटर हेड कर रहे हैं तो 2 लाख से ज्यादा हो नहीं सकता, ये रह जाएगा 2 लाख रुपए, कितना रह जाएगा 2 लाख। और ये जो 20,000 रुपए का लॉस बचेगा इसको क्या कर देंगे बेटा, कैरी फॉरवर्ड, क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड, हाउस प्रॉपर्टी तो हो गया 0। बिजनेस लॉस की बात करें 1 लाख, तो अब बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद सैलरी एक्सेप्ट सैलरी, वो किसी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, ये बात याद है। तो बिजनेस लॉस 1 लाख रुपए इसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसके साथ तो कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके साथ कर देंगे। और मेरे पास बिजनेस लॉस अभी भी कितने का बच जाएगा, 20,000, जिसको मैं क्या करूंगा आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बिजनेस लॉस हो गया 0, अदर सोर्सेज इनकम हो गई 0, मेरी टोटल इनकम कितनी आएगी 2 लाख रुपए। समझ में आ गई बात एवरीवन, 2 लाख रुपए इनकम कैसे आई, इज दैट क्लियर। इसी तरीके से आपको मैं कुछ और क्वेश्चन ट्राई कराता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर है 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है 140, आपको लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया है 60,000 रुपए का, लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स दिया है 1 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल दिया है 50,000, इनकम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज 15,000, इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी 40,000। तो आपको ये ना इनकम और लॉसेस दे रखे हैं। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपके पास सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, क्या दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा आपको कौन सी इनकम दे रखी है, हाउस प्रॉपर्टी का आपको लॉस दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया हुआ है बेटा 40,000 रुपए का। मेरे ख्याल से मैं 1 लाख रुपए को इधर ही लिख देता हूं ताकि फाइनल आंसर इधर लिखूं बाहर। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इसके अलावा आपको पीजीबीपी दिया होगा बेटा, पीजीबीपी दिया होगा हेड, पीजीबीपी हेड के अंदर क्या दिया है, पीजीबीपी हेड के अंदर दिया है बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर लॉविंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए का प्रॉफिट पीजीबीपी। फिर इसके अलावा पीजीबीपी में और तो कुछ नहीं दिया हुआ, पीजीबीपी में और कुछ नहीं दिया हुआ, बस छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं आगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन वाले केस में आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है 1 लाख रुपए का, ये LTCL है 1 लाख रुपए, एक तो ये हो गया समझ गए, ठीक है। इसके अलावा आपको LTCG भी दिया हुआ है 30,000 रुपए का, LTCG दिया हुआ है 30,000 रुपए का, और आपको लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया 60,000 रुपए का, और STCG दिया है 140 का, STCG 140 का, आपको लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस भी दिया हुआ है ऊपर 60,000 रुपए का, तो वो तो मैं यहीं डालूंगा लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस से कितने रुपए का लॉस हुआ, 60,000 का लॉस हुआ। वैसे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम तो है नहीं आपकी, तो उसको फिलहाल क्या करोगे कैरी फॉरवर्ड ही करोगे, तो इसको मत ही लिखो, इसको क्या करोगे 60,000 को कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है ना। तो बस करना क्या है, अब आपको सारी इनकम आपके सामने है, सेट ऑफ करना है बस आपने लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग। अब ये पुराने कुछ लॉसेस पड़े हुए हैं तुम्हारे पास, ये जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का पुराना लॉस है, ये आप अगले साल सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की एक्टिविटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, और आपको एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज दिया हुआ है 15,000 रुपए की इनकम। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज आ गया अदर सोर्सेज में, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज ये आ गया आपका किसमें 15,000 रुपए है आपके पास इनकम,
ये वाली, और आपको पिछले साल में कुछ लॉस भी हुआ था 25,000 रुपये का, तो वो लॉस इसके साथ ही सेट ऑफ कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ठीक है, कितना कितना हुआ था लॉस, 25,000 रुपये है, यहाँ पे 15,000 सेट ऑफ कर देते हैं और 10,000 रुपये क्या कर देंगे, 10,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड, 10,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड। समझ में आ गई बात। इसके अलावा आपको आपको लॉस फ्रॉम एक्टिविटी हो गया, बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस टेक्सटाइल हो गया 60,000 रुपये का, जो पिछले सालों से रिलेटेड था। असेसमेंट ईयर 13-14, मेरे ख्याल से 8 साल तो इसके खत्म हो गए होंगे, चेक कर लो एक बारी। 13-14 असेसमेंट ईयर, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 असेसमेंट ईयर। अच्छा, आखिरी साल है, अभी आखिरी साल है, तो ये आखिरी साल तक तो कैरी फॉरवर्ड कर ही सकता है, तो मतलब इस वाले के साल के साथ सेट ऑफ कर सकता है। चलो अभी पहले तो अपने अपने हेड में देखो ना कि कुछ करना तो नहीं, एडजस्ट करना है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके साथ कर रही, ठीक है, और बस यही हो सकता है मेरे ख्याल से। और बाकी 70,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये तो रह गया, सॉरी 70,000 का लॉस रह गया, और ये 70,000 का लॉस क्या करना पड़ेगा बताओ, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पता है क्यों कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, और किसी गेन के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो आगे देखें, सैलरी इनकम दी है, हाउस प्रॉपर्टी दिया है, पीजीबीपी हो गया, आपको कुछ और लॉस दिया है क्या, लॉस हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, इसमें से सेट ऑफ कर देते हैं 40,000, लो तो ये रह गया बेटा 60,000, ये खत्म। पीजीबीपी हो गया बेटा 50,000, और ये हो गया 1,40,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी इनकम हो गई, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज हो गया, टेक्सटाइल बिजनेस हो गया। टेक्सटाइल बिजनेस में पिछले साल का 60,000 का लॉस था, वो हटा देते हैं ना, ये सेट ऑफ कर दो ना, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कितना 50,000, ये भी हो गया निल। तो पीजीबीपी हो गया निल, ये हो गया निल, और यहाँ पे आएगा अदर सोर्सेज में, नहीं यहाँ पे कितना आएगा 1,40,000। तो टोटल इनकम मेरी हो गई कितनी, 2,00,000 रुपए। एक बार फिर से देख लो, सैलरी इनकम रह गई 60,000, हाउस प्रॉपर्टी हो गया निल, पीजीबीपी हो गया निल, कैपिटल गेन हो गया 140, अदर सोर्सेज हो गया निल, 2,00,000 रुपए की इनकम। इज दैट क्लियर, 2,00,000 रुपए की इनकम। क्वेश्चन नंबर 6 डन। इसी तरीके से और भी आपको आपको इसके अंदर ना कैरी फॉरवर्ड के बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो फ्यूचर में, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर गर्ग अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड अदर डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19। तो आपको सैलरी दिया है, पीजीबीपी दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज दिया है, लॉस ऑन गैम्बलिंग दिया है, फिर आपको अदर डिटेल्स में आपको पिछले सालों का भी कुछ अमाउंट दिया हुआ है। तो करना क्या है आपको, आपको इसका टोटल इनकम निकालना है। तो निकालें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैलरी। सैलरी आपको दी हुई है ऑलरेडी कितनी, 1,15,000, ठीक है। इसके बाद आपको बिजनेस दिया हुआ है पीजीबीपी, पीजीबीपी कितना दिया हुआ है, 22,000 रुपये का पीजीबीपी। अच्छा, इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपये का, 11,800 रुपये का। अच्छा, इसके अलावा लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज दिया हुआ है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज दिया हुआ है, यानी अदर सोर्सेज, लॉस हो गया कितना दिया हुआ है, 1,55,000 का लॉस दिया हुआ है। इसके अलावा लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग भी दिया है, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, और वो दिया 9,100। ये सब आपको दिया है, द अदर डिटेल्स ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रेशन और बॉट फॉरवर्ड लॉस, पिछले सालों के कुछ लॉस हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है। तो अब वो जो है क्या करेंगे, उसका अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 10,000 रुपए का है, वो हम लोग क्या कर देंगे, अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन अब हम क्या कर देंगे, फुली अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 10,000 रुपए का जो है वो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे,
सेट ऑफ कर सकते हैं एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। तो मैं अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी हटा सकता हूं, किसी के साथ भी हटा सकता हूं, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन किसी के साथ भी हटा सकता हूं। वैसे मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है, और हमें पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ना वो कितना अमाउंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,800। इसको हटाओ पहले, तो इसको हटाओ 11,800, ये हटाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हटा दो। पता है क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही आ सकता है। फिर आपने अगर अनएब्जॉर्ब डेट को इसमें से सेट ऑफ कर दिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, है ना। तो पहले इसको हटाओ, और जो बच गया लॉस, कितने का लॉस और बच गया, 11,800 का मैंने यहां से हटा दिया तो 9,000 रुपए का, वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस तो है ही नहीं मेरे को लगता है, नहीं है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 10,000 रुपए का है, ये हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, चाहे अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितने रुपए का है, 10,000, ये लो 12,000 रुपए का अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन प्रॉफिट आ जाएगा पीजीबीपी। 1,15,000 रुपए आपकी सैलरी इनकम आ रही है, ठीक है, और 12,000 वो आ रहा है, और गैम्बलिंग वाला तो वैसे भी लॉस ही था, वो तो इनकम तो थी भी नहीं। गैम्बलिंग वाली लॉस वैसे भी कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड भी क्या है, तो कैजुअल है, इसको कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड करने का फायदा नहीं है। और रेस हॉर्सेज वाली जो इनकम है वो आपको कोई दी नहीं हुई, तो लॉस ऑन ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज ये भी कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको करने की जरूरत ही नॉट अलाउड। तो बेसिकली अदर सोर्सेज भी क्या रहेगा, नल। तो मेरा आंसर जो टोटल रहेगा वो कितना रहेगा, मेरा आंसर क्या रहेगा टोटल, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 12,115 और 12, 1,27,000 मेरी टोटल इनकम। समझ में आ गई बात, मेरी टोटल इनकम आ रही है 1,27,000। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग नए रेजीम के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप नए रेजीम के अंदर ऑप्ट करते हो, यानी मतलब आप ओल्ड रेजीम में शिफ्ट नहीं होते हो, तो क्या करना होगा। तो देखो, क्लबिंग में तो एकमात्र बात ध्यान रखनी है, वो है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 32। माइनर चाइल्ड वाली जो क्लबिंग वाली 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है ना, कि पेरेंट को मिलती है, कि जिस पेरेंट की इनकम में क्लब होगा उस पेरेंट को, माइनर को, वो माइनर की इनकम क्लब हो जाएगी, तो क्लब होने के बाद 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी उस पेरेंट को, तो ठीक है, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर आपने नया रिजीम लिया तो। क्या ये बात समझ में आ गई। नंबर दो, अगर मैं बात करूं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की, तो बच्चों इसमें कुछ दो बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना। कह रहा है अगर कोई लॉस हैज बीन कंप्यूटेड अर्लियर विच हैज बीन कैरी फॉरवर्ड, देन सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। मतलब करंट ईयर में अगर मैं नए रिजीम लेके चल रहा हूं तो मैं पुराने लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, अगर वो पुराना लॉस ओल्ड रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, यानी जो डिडक्शंस अलाउड नहीं होती हैं नए रिजीम में, अगर मैंने उन डिडक्शंस को लेकर पहले कभी मुझे घाटा हुआ था, लॉस दिखाया मैंने, उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं और इस सेक्शन में मैं करंट ईयर में मैं बेनिफिट लेना चाह रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहता है नॉट अलाउड। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, इसलिए मैं एग्जांपल लेके आया हूं इसका। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल 2022-23 में एक्स हैज डोनेटेड 20 लाख रुपीज इन एसोसिएशन विच इज अप्रूव फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो आपने साइंटिफिक रिसर्च को एसोसिएशन को डोनेट कर दिया, तो आपको तो पता ही है कि 100% डिडक्शन मिल जाती है। नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन 5 लाख रुपीज है, और आपने सेक्शन नंबर 25 में 20 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर ली। बिजनेस लॉस हो गया 15 लाख रुपए का, आपके पास कोई और हेड ऑफ इनकम थी नहीं, तो इसको क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। 2023-24 में आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट आउट नहीं, मतलब ओल्ड रिजीम में आप नहीं गए, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट नए रिजीम में ही हुआ। तो ऐसे केस में आपका उस साल में नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए आ रहा है, आप नए रिजीम के अंदर चल रहे हो, और पुराने बिजनेस लॉस को आप यहां पे सेट ऑफ करना चाह रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, यही बात हो रही है। क्योंकि इस लॉस का कारण क्या था, सेक्शन नंबर 35। क्या यह बात समझ में आती है, इज दैट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी लॉस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम। अगर आप नए रिजीम के अंदर हो तो आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर आपको हुआ है तो आप नए हेड ऑफ इनकम एनी अदर हेड ऑफ इनकम के साथ उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे ओल्ड रिजीम में तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीज, यस और नो, ओल्ड रिजीम में। बट नए रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ ही नहीं कर पाओगे। अपने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ सेट ऑफ कर पाओगे,
बट दूसरे हेड के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। यहां तक आपको ध्यान देना है, ये है नई रेजिम के बाद। दैट्स इट दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बने रहो मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं और चीजें लेके आता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।